हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिफ्थ एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन. इन दिस एक्सरसाइज विल सॉल्व डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. मींस हम डेरिवेटिव दो बार लगाने वाले एक फंक्शन, राइट? बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन. मेन क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है. ओके, ध्यान दो. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x raised to 5 -4x³ - 2/x² - 9, राइट? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. 2x raised to 5 - 4x³ - 2/x² - 9, राइट? हमको करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो बहुत ईजी है. अभी तक जो किया वही चीज हम लोग दो बार करेंगे, राइट? सबसे पहले फर्स्ट बार एक बार हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट में नहीं लिखने वाला हूँ. डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? तो जब मैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट dy by dx इज इक्वल टू, बताओ अगर मैं ये टर्म का डेरिवेटिव निकालू तो कितना आएगा? 5 पीछे आ जाएगा ना. बताओ आंसर, बताओ जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा? 2 पहले से, तो 10x raised to 4, राइट? आगे बताओ, माइनस 12, राइट ना, x square. और इसका ये वाले पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं बता दूं उसको कैसे लिख सकते हैं. -2x raised to -2 लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं. तो ये -2 भी पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +4, राइट? x raised to -2 - 1, मतलब कितना हो गया? -3, क्लियर? और लास्ट वाले पार्ट का आंसर 0, समझा? ये फर्स्ट हम लोगों ने डेरिवेटिव लगा दिया, राइट? तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो. चलो वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अगेन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से वही कर रहे हैं, राइट? एक बार नहीं करना है, दो बार करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है. फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स दो बार आपको करना है. चलो फिर से करते हैं. अब जब मैं फिर से dy by dx के निकालूंगा, तो ये बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. देखो लिखते कैसे हैं, d²y/dx² इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दिख रहा है कैसे लिखा है मैंने, d²y/dx², इसका मतलब है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालने जा रहा है. देखो तो फटाफट इसका भी आंसर बताओ जल्दी जल्दी. बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है? 4 पीछे आ जाएगा, कितना हो गया? 40x raised to 3, राइट? आगे बताओ, -24x, क्लियर है? आगे बताओ, माइनस कितना? 12x raised to -4, राइट है? समझा? चेक कर लो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. कॉमन वन, ठीक है. देख लो क्या है, 40x³ - 24x - 12x raised to, समझा कैसे किया है? बहुत इजी, अभी तक जो किया वही करना है, सिर्फ दो बार करना है बस, समझा? लेंथी सम्स आएंगे, बहुत लेंथी आएंगे, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम ही है. तो फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है y = e^2x (tan x). क्लियर दिखाई दे रहा है, यूवी रूल लगने वाला, राइट? चलो तो अब मैं वो नहीं लिखने वाला, ये डिफरेंशिएटिंग समझ जाओ खुद से. डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें बोल रहा हूँ, लिख दिया, समझो. ओके, तो बताओ क्या आएगा, dy/dx, राइट? यूवी लगाते हैं यहाँ पे, बोलो पहले e^2x डेरिवेटिव tan x sec² x प्लस क्या लिखो, tan x. और जब मैं e^2x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो e^2x आएगा, लेकिन 2x को तो x से जूम किया है, उसका डेरिवेटिव वापस लो, तो 2x = 2, तो इधर पीछे 2 लिख देता हूँ. निकाल दिया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, वापस इधर लिखना पड़ेगा तुमको, अगेन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? चलो फिर से, जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा d²y/dx², क्लियर है? फिर से यहाँ पे यूवी लग रहा है, यूवी यहाँ भी लगे, यूवी यहाँ, बड़ा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि बहुत ईजी है, राइट? बोलो फिर से यूवी लगाओ, e^2x, यहाँ पे x^12 लगेगा, मालूम है, x^12, तो n sec x ना, और फिर sec x का भी तुमको डेरिवेटिव लेंगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि x^12 लगाया ना, डेरिवेटिव ऑफ sec x बोलो क्या होता है, sec x tan x, तो ये बन जाएगा sec²x tan x. समझाएगा क्या किया ये? अभी तक जस्ट मैंने u डेरिवेटिव v किया है, आगे बताओ, प्लस sec²x (e^2x) का डेरिवेटिव e^2x, और पीछे 2 भी लिखना पड़ेगा हमको. इतना समझ में आ गया अभी, ऑलमोस्ट लास्ट एक्सरसाइज में, इधर काम हो गया, यहाँ पे आओ, प्लस में यहाँ भी यूवी रूल लगने वाला है, लेकिन पीछे 2 है भूलना नहीं, ये 2 अंदर दोनों को लगेगा. तो एक काम करता हूँ मैं, 2 इधर रखता हूँ ऐसा, अंदर बाद में अप्लाई करना पड़ेगा, और अंदर खुद से भी एक 2 बनेगा, क्योंकि e^2x से भी तो एक 2 आने वाला है ना बाद में. चलो यूवी रूल लगाओ, बोलो क्या आएगा, पहले tan x
tan x e raised to 2x और पीछे 2 भी लिख दो, राइट u डेरिवेटिव v हो गया प्लस e raised to 2x डेरिवेटिव tan x sec square x, समझा कैसे किया है, राइट वो 2 मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जो भी क्या क्या होता है। देखो तो हमारे पहले नंबर आता है 2 e raised to 2x into sec square x into tan x प्लस 2 sec square x into e raised to 2x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करके बताएंगे प्लस 4 tan x e raised to 2x प्लस 2 e raised to 2x into sec square x, राइट है। अच्छा बताओ क्या कर सकते हैं, 2 e raised to 2x sec square x, 2 e raised to 2x sec square x, दो बार हो गया ना, मतलब 4 e raised to 2x sec square x, देखो ना डबल हो जाता है। और कुछ कर सकते हैं नहीं ना, बाकी यहां से तुम लोग शायद वो tan x कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे बाद में, दो स्टेप और पॉसिबल है। देखो पहले क्या कर रहा हूं, 2 e raised to 2x sec square x, 2 e raised to 2x sec square x, बोलो कितना हो जाएगा, 4 e raised to 2x into sec square x चलेगा। अच्छा इसके बाद ये वाला पार्ट जो बड़ा है ये लिख देते हैं प्लस 2 e raised to 2x into sec square x into tan x और एक पार्ट और बाकी है हमारे पास ये ना, और बाकी लिख दिया हम लोग ने प्लस 4 e raised to 2x into tan x चलेगा, ठीक है। अब क्या कर देख, क्लियरली इतना तो दिख रहा है कि e raised to 2x तो सब जगह पे है और 2 भी है ना, कॉमन निकाल लो, दो जगह पे sec square x है और दो जगह पे tan x है, तुम्हारी मर्जी यहां से लेना तो यहां से कॉमन लो, यहां इधर तुम्हारी मर्जी, चलो ठीक है। मेन क्या है, मेन वैसे यहां पे छोटा राइट हो जाएगा, चेक भी कर लो, वैसे मैं यहां से 2 e raised to 2x कॉमन निकाल लेता हूं तो बोलो क्या आएगा, 2 sec square x, राइट ना, 2 sec square x प्लस sec square x tan x ना। एक काम करते हैं क्या, अगर मैं चलो एक बार लिखूं उसके बाद डायरेक्ट नहीं समझेगा तुमको, 2 sec square x प्लस क्या बोल रहे थे बताओ, sec square x into tan x इसके बाद प्लस 2 ना, 2 ना, 2 tan x ना, e raise to 2x तो बाहर ले लिया मैंने, समझा। इसके बाद भी तुम्हारी मर्जी, अगर tan x कॉमन लेना तो tan x कॉमन लो, तुम्हारी मर्जी अगर sec square कॉमन लेना तो sec square x, मैं दोनों में से एक कर देता हूं, दो ऑप्शन, लेकिन 2 e raise to 2x, अगर मैं sec square x कॉमन निकालता हूं sec square x तो बताओ क्या बचेगा, 2 प्लस tan x ना, और प्लस 2 tan x, समझा, ये यहां छोड़ा तो भी चलेगा या तो तुम लोग tan x कॉमन निकालो भी चल जाएगा, प्रॉपर है, देख लो, बोलो आंसर, बोलो क्या है, 2 e raise to x, 1 plus tan x, सब पूरा tan x में रख दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा का पूरा आंसर जो भी है वो tan x में। sec square x को हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं sec square x को लिखूँ तो वैसे tan square x है क्या हमारे पास, नहीं, हाँ इसको लिख सकते हैं 1 plus tan square x, इधर भी आ सकता है सब आएगा tan square x, लेकिन ये tan x में है ना, पता पीछे का आंसर बताओ जरा क्या बोल रहे हैं, क्या आंसर है, 2 e raised to 2x फिर 1 plus tan x फिर ब्रैकेट में इनटू में ही के बीच में साइन है, हाँ इनटू में 2 प्लस tan x प्लस tan x स्क्वायर, tan स्क्वायर x, ऐसा tan स्क्वायर x, तो इतना तो क्लियर है कि पूरा का पूरा tan में, तो ये tan बनेगा तो ही वो हमारा आंसर आने का चांस है, ऐसा नहीं बोल सकते, वैसे इधर छोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 वाला पार्ट ये बनने का चांस है, देखो ये वाला पार्ट चाहिए ना, ऐसा है ना, 1 प्लस tan x 2 प्लस tan x प्लस tan square x, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको वो टाइम पे मालूम पड़ेगा, यहाँ छोड़ेंगे तो भी राइट ही मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चाहिए तो वो भी करके दिखा देता हूँ, sec square x को हटाओ देखते हैं मालूम पड़ जाएगा अपने आप, ये sec square x को अगर मैं लिखूँ 1 प्लस tan square x, इसको लिखूँ 1 प्लस tan square x, तो वो चीज़ बनने का चांस है, तो चलो वो वाला पार्ट बनाते हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे, जहाँ मैं लिखा था वो भी एकदम करेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता तुमको, चलो इसको सॉल्व कर लो फिर, 2 e raised to 2x है, 2 है ना, sec square x तो क्या लिखने वाले तुम लोग, 1 प्लस tan, तो पीछे से 2 मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 tan square x, राइट है, 1 प्लस tan square x आएगा, पीछे से tan x मल्टीप्लाई होगा, 1 को tan x मल्टीप्लाई हुआ तो tan x, राइट, और फिर tan प्लस में जो tan square x है उसमें tan x मल्टीप्लाई हुआ तो tan cube x ना, क्योंकि tan square x था, और प्लस में हमारे पास क्या है, 2 tan x, देखो यहाँ से कुछ सॉल्व करना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, देखो फिर ये tan x प्लस tan x हमारा हो जाएगा 3 tan x, ये tan x प्लस 2 tan x ना, 3 tan x, तो प्रॉपर लिखेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 e raise to 2x, हाइयर पावर पर लिख देते हैं tan cube x ना, हाइयर पावर tan cube x प्लस ये दोनों को लिया तो 3 tan x,
राइट ना, प्लस क्या है अच्छा हाइयर, इससे छोटा पावर हमारे पास क्या है, टू वाला पावर है ना, सेकेंड पावर है वो लेते हैं, तो ये लेते हैं टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस ये हमारे लिए आएगा प्लस थ्री टैन एक्स और प्लस टू, राइट। ये समझो इसको तुम लोग अगर सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो भी वही जो आंसर था वही वैसे आंसर आएगा जो तुम्हारा ब्रैकेट में है। चाहिए तो कॉमन वॉमन लेके देख लो, कॉमन से भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से समझो टैन एक्स कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा हमको, टैन स्क्वायर एक्स भी कॉमन ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो। टैन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो हमको क्या मिल सकता है यहाँ से, टैन एक्स प्लस टू ना, टैन एक्स प्लस टू मिल सकता है। और यहाँ पे मैं अगर टू टैन एक्स को अलग लिख दूँ, देखो जो तुम्हारे पीछे का आंसर है वो शायद आने का, देखो यहाँ चांस बता, वैसे जरूरी नहीं है ऐसा पीछे का चाहिए, कर सकते देखो फिर भी टू ई रेस टू टू एक्स, मैं ये वाले पार्ट से टैन स्क्वायर एक्स बाहर निकालता हूँ, टैन स्क्वायर एक्स बोलो क्या मिलेगा, टैन एक्स प्लस टू। ये अगर सेम ब्रैकेट में आगे बना दूँ तो एक और चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इधर मुझे टैन एक्स प्लस टू बनाना है, टैन एक्स प्लस टू दिख रहा है लेकिन थ्री है, तो मैं क्या करता हूँ थ्री टैन एक्स है ना, इसमें से मैं टू टैन एक्स को अलग लिख देता हूँ, चलेगा, बचा कितना tan x, 1 tan x ना, तो वो इधर लिख देते हैं tan x प्लस टू, चलेगा राइट ना, क्यों किया मैंने ऐसा, रीजन है मेरे पास, tan x प्लस टू, tan x प्लस टू कॉमन लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में वैसा आंसर दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो कॉमन ले लो, बोलो क्या मिलेगा, अगर मैं टू e raise to 2x as it is है, tan x प्लस टू कॉमन लो, ये साइड कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, tan x प्लस टू कॉमन लिया, बोलो क्या मिला, tan square x प्लस वन, मतलब वही एक ही बात है, वो sec square x वाला पार्ट ही बन जाता है, टैन स्क्वायर एक्स प्लस वन मिल रहा है, और प्लस में हमारे पास क्या है, टू टैन एक्स, ऐसा भी है और चाहिए तो और आगे बहुत सारा कुछ कैंसिलेशन वगैरह बहुत कॉमन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या था एक बार बोला, वन प्लस टैन एक्स, क्या वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टैन एक्स, आगे प्लस टैन, तो ऐसा है कि देखो टैन स्क्वायर एक्स वाला पार्ट तरीका बहुत सारा है, अलग अलग कर सकते हैं, टैन स्क्वायर एक्स अलग भी कर सकते हैं, जैसे हमने टैन एक्स को अलग कर दिया तो टैन स्क्वायर एक्स भी अलग रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा, जैसे देखो यहाँ पे था टैन स्क्वायर एक्स, ये टू टैन स्क्वायर एक्स को तुम्हारे टेस्ट में अलग रखा है ना, टू टैन स्क्वायर एक्स को अलग रखा है, तो बाकी इसमें ऑपरेशंस करो, ऐसा है पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारा आंसर जो होगा जहाँ पे मैंने रुकाया था वहाँ पे रुकाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही आना चाहिए जैसे पीछे है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने कहाँ पे रुकाया था, हम लोगों ने इसको कॉमन लिया था ना, टू ई रेस टू टू एक्स, बोलो क्या किया था हम लोगों ने, इसको यहाँ से sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया था, याद है। चलो तो हम लोगों ने यहाँ से sec स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला था हमको, टू प्लस टैन एक्स ना, प्लस टू टैन एक्स, याद है यही चीज़ को मैंने एकदम डिटेल में आगे किया, sec स्क्वायर एक्स को लिख दो, वन प्लस कितना आएगा, टैन स्क्वायर एक्स, तो वही मिल गया ना जो भी बनाया था मैंने, याद है ये वन प्लस टैन लिखा था ना मैंने, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस टू प्लस टैन एक्स था और प्लस में टू टैन एक्स ऐसा अलग, यही तो अभी बना था, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज वैसे ही करना चाहिए, तुमको पूरा टैन में रखना है पूरा टैन में रखो, लेकिन ऐसा कुछ बोला थोड़ी कि हमको टैन में ही रख के दो, ऐसा कुछ नहीं है, समझा क्वेश्चन नंबर टू। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि पीछे वाला आंसर मैच हो तो ही तुमको एग्जैक्ट राइट आंसर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं, वो तब होता है जब प्रूव दैट करने बोला रहेगा, तो अभी प्रूव दैट करने नहीं बोला हमको। थ्री, y इज इक्वल टू ई रेस टू फोर एक्स इंटू कॉज ऑफ फाइव एक्स, राइट, ऐसा क्वेश्चन है, चेक कर लो, ई रेस टू फोर एक्स इंटू कॉज फाइव, क्लियर दिख रहा है कि यूवी रूल लगाने का है, चलो यूवी रूल लगाते हैं, बोलो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, बोलो क्या आएगा, ई रेस टू फोर एक्स इंटू कॉज फाइव एक्स का डेरेटिव माइनस साइन फाइव एक्स, और फाइव एक्स का डेरेटिव भी तो आएगा इंटू में फाइव, यू डेरेटिव ऑफ v हो गया, आगे बताओ प्लस v ना, मतलब cos 5x ना, cos 5x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 4x में e रेज टू 4x आएगा और 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, राइट। थोड़ा प्रॉपर मैनेज करते हैं, नंबर नंबर पीछे लेके आते हैं, फिर एक बार फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे, dy वाई बाई डी एक्स में पहले प्लस लिख देते हैं लेकिन ये माइनस हो जाएगा बाद में, ठीक है चलो कोई बात नहीं, माइनस में 5 पहले नंबर आता है, फिर e रेज टू 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 4 और e रेज टू 4x क्या आएगा फिर cos 5 है, अगर तुमको चाहिए थोड़ा इजी करना है तो वो e रेज टू 4x कॉमन ले लो और अंदर चलेगा, e रेज टू 4x कॉमन ले लो थोड़ा इजी हो जाएगा, dy by dx, बोलो अगर मैं e रेज टू 4x कॉमन लूँ तो बोलो क्या मिलेगा, पहले पहले प्लस बोलो 4 cos 5x राइट है, माइनस 5 ना 5 sin 5, ये एक बार dy by dx निकाल, एक और बार निकाल दे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला, राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम निकाल दिया, चलो अब सेकंड टाइम निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो तो यू भी लगाएंगे ना, इसमें यू बोलो अच्छा 4x था ना, ई रेस टू 4x, ई रेस टू 4x तुम्हारे लिए यू रहेगा और इतना पूरा पार्ट क्या रहेगा हमारे लिए वी ना, चलो यू भी लगाओ, बोलो क्या आएगा, ई रेस टू 4x, ध्यान से बताना इसका डेरिवेटिव,
cos 5x का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, माइनस साइन 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा और पहले से पीछे 4 है मतलब कितना हो गया 20, 5 4 20 ना, हाँ तो हाँ माइनस आगे साइन का साइन 5x का कितना आएगा cos 5x और 5 भी आएगा और पीछे ऑलरेडी एक 5 है कितना हो गया 25 ना, चेक करो बराबर है। ये मालूम है खाली क्या किया अभी तक अपने, u डेरिवेटिव ऑफ v किया बस अभी तक, अभी आगे बाकी है प्लस v, v मतलब एज इट इज ये लिख देंगे हम लोग, क्या है हमारे पास ये 4 cos ऑफ 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x और e raise to 4x का डेरिवेटिव e raise to 4x ही आएगा इनटू में 4 भी आएगा ना, समझा कैसे किया राइट right. अब थोड़ा सिस्टमैटिक कर लो, e raise to 4x कॉमन निकाल लो, बाकी अंदर मल्टीप्लाई करो देखो क्या होता है। चलो e raise to 4x अगर मैं कॉमन निकालो बोलो क्या मिलेगा हमको, लाइन से बताते जाओ, माइनस 20 sin 5x माइनस 25 cos 5x ये कितना प्लस में प्लस 16 cos 5x ना माइनस 20 sin 5x बराबर है, क्लियर ना, कुछ सॉल्व करो देखो यहाँ पे सॉल्व पॉसिबल रहेगा, माइनस 20 sin 5x और लास्ट का माइनस 20 sin 5x कितना हो जाएगा माइनस 40 बराबर ना, तो बोलो कितना आएगा e raise to 4x माइनस 40 sin 5x 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 9, तो माइनस 9 cos 5x राइट है, कुछ कॉमन आ सकता है राइट ना, क्या कॉमन आएगा माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस e raise to 4x माइनस में e raise to 4x और बोलो क्या आ जाएगा 40 sin 5x plus 9 cos 5x बोलो समझाए, चेक कर लो एक बार समझा कैसे किया, ओके ओके समझा ना सबको कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 3 चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, चेक कर लो एक बार राइट है क्वेश्चन देखो राइट आया ना, हाँ फोर्थ क्वेश्चन y इज इक्वल टू x क्यूब log x राइट, ऐसा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x क्यूब log x स्टार्ट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने आता ना इजी, क्लियर दिख रहा है क्या रूल लगाएंगे यूवी रूल, ओके जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, फर्स्ट टाइम है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो dy by dx बोलो जल्दी जल्दी, x क्यूब डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x प्लस log x और डेरिवेटिव x क्यूब 3x स्क्वायर, समझा समझ कैसे किया, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, ये एक बार कर दिया है थोड़ा इसको और छोटा कर लो बाद में देखते हैं, बोलो कैसे क्या आ जाएगा बताओ x स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, अच्छा x स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, चलो x स्क्वायर कॉमन ले लो बताओ क्या बचा 1 प्लस 3 log x, ये मैंने फर्स्ट टाइम dy by dx निकाला है, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है फाइंड सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर मतलब दो बार डेरिवेटिव लगाएंगे, एक बार लगा दिया वापस एक बार लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग अबाउट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, फिर से u भी लगेगा u और v बोलो x स्क्वायर जीरो हो जाएगा 3 एज इट इज रहेगा log x का 1 by x मतलब 3 by x u डेरिवेटिव v प्लस 1 प्लस 3 log x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 और x चल जाएगा राइट, अब कैंसिलेशन कर लो x x बोलो कितना आ जाएगा 3x 3x ना प्लस 2 मल्टीप्लाई करो इधर से x करो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 6x log x राइट है, समझा कैसे किया है, अरे यहाँ से 2 वहाँ से x मल्टीप्लाई कर दिया बोलो 5x ना मतलब हमारा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर क्या है 5x प्लस 6x log x, इसमें से भी हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं x, तो बोलो अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा 5 प्लस 6 log x, चेक कर लो बराबर, तो ये आंसर है हमारा d स्क्वायर y अपॉन d, समझा इजी है, जो अभी तक डेरिवेटिव किया वही करने वाले, सिर्फ दो बार करेंगे बस, लेंथ होएगा धीरे धीरे लेंथ बढ़ेगा राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है क्या log ऑफ log x ना y इज इक्वल टू log ऑफ log x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, बोलो क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, log ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, इसको x अज्यूम करना पड़ेगा ना तुमको, चलो फिर फटाफट बताओ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया समझ लो, बोलो dy by dx का आंसर क्या आएगा log x मतलब 1 upon log x, लेकिन log x को तो x अज्यूम किया था, इसका डेरिवेटिव फिर से लो 1 upon x log x डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ गया हो गया ना फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम अगर मैं dy by dx सेकंड टाइम निकल, चलो इसको थोड़ा अगर मुझे सेकंड टाइम लगाना है
तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लगाने लायक बनाओ तो पहले उसको ऊपर लेके जाऊँ, एक्स लॉग एक्स द होल रेस टू माइनस वन चल जाएगा, एक्स रेस टू वन लगा के सेकंड टाइम निकाल सकते हैं इसको, एक्स जूम कर लो। बोलो अगर मैं एक्स रेस टू वन लगा रहा हूँ सेकंड टाइम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस वन मतलब माइनस एक्स लॉग एक्स रेस टू माइनस टू, और इसका डेरिवेटिव फिर से आएगा ना, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव का शॉर्टकट तुमको सिखाया था मैंने, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, वन प्लस लॉग एक्स, याद है ना, करके देख लो, एक्स एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल और लो, मतलब वही आ रहा है, करके देख लो उतना ही आएगा, यू भी लगाएंगे उतना ही आता ना, वन प्लस लॉग एक्स राइट है, चेक कर लो यही रहेगा या फिर इसको नीचे भेज देते हैं। बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फाइनल आंसर माइनस वन अपॉन, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर, तुमको चाहिए तो तुम लोग एक्स का स्क्वायर अलग से लिखो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अलग से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन टू में ऊपर है ना हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या है, वन प्लस लॉग एक्स और ब्रैकेट डालना भूलना नहीं, देखो समझा कैसे किया है, ईजी है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो तो क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स क्या है, एक्स रेस टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, ये तो किया है ना बहुत बार हम लोगों ने किया राइट, चलो फिर बोलो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली ना पहले लॉग लेना पड़ता है, याद है फंक्शन रेस x है, लॉग लेना पड़ेगा, बोलो लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x राइट है, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx, x log x तुमको याद है 1 प्लस log x राइट, लेकिन ये आंसर नहीं है तुम्हारा, dy by dx आंसर निकालने के लिए y भेजना पड़ता है, x raise to x into 1 प्लस log x, समझा, बोलो समझ में आ गया, ये किसका आंसर निकाला हम लोगों ने, अब बताओ d square y upon dx square कैसे निकालो, क्या करना पड़ेगा, अगर समझो मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूं, ये देखो नहीं, ये रेस्टू एक्स नहीं लग सकता है यहाँ पे, ये रेस्टू एक्स नहीं लग सकता है, ये यू ये वी करना पड़ेगा तुमको, यू वी लेना पड़ेगा फंक्शन ऑफ, हाँ वो लेकिन वो यू तुमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा बाद में, और वैसे देखा जाए तो उसी का तो आंसर निकाला है हम लोग ने, ये तुमको मालूम है ये किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव बताओ, हाँ ये समझ में आना चाहिए, ये जो मैंने निकाला है डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब ये किसका आंसर है डेरिवेटिव का, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का आंसर है ना, तो इतना याद रखो बस, बोलो तो अगेन डिफरेंशिएटिंग अबाउट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू वी रूल आता है ना, यू आएगा डेरिवेटिव ऑफ वी बताओ कितना आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स राइट है ना, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वन प्लस लॉग एक्स, और एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ना, x raise to x का डेरिवेटिव ऑलरेडी यही है x raise to x का डेरिवेटिव, तुमको मालूम है क्या, तो बोलो क्या लिख दूं, x raise to x into 1, अरे मतलब 1 plus log x the whole square डायरेक्ट डाल दूं, चलेगा ना, कॉमन आ रहा है कुछ तो, बोलो x raise to x कॉमन आ रहा है, x raise to x कॉमन, तो बोलो क्या मिला, 1 upon x plus 1 plus log x the, चेक करो क्रॉस वगैरह भी कर सकते हैं, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन, हाँ कर सकते हैं ना, क्या ऑप्शन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर अपॉन जो एक्स आएगा वो ये एक्स रेस टू एक्स के ऊपर भेज दो, समझा क्या, एक्स रेस टू एक्स माइनस वन ठीक है चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा ना कैसा है, ठीक। सेवंथ क्वेश्चन, सेवेंथ है नहीं ना, सिक्स्थ है ना लास्ट, हाँ तो क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं, ये इजी था, धीरे धीरे अब लेंथ बढ़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर वन का हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो भी था ये क्वेश्चन नंबर वन का हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया है तुमको एक्स, और तुमको वाई भी दिया है, वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन राइट, थीटा माइनस साइन थीटा और a टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन है, चलो फटाफट इसका हम लोग निकालने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव राइट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बताओ कैसे स्टार्ट करो, x किसका फंक्शन है थीटा का, y किसका फंक्शन है थीटा, तो दोनों को पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx एक्स बाई डी थीटा बनाओ, dy वाई बाई थीटा बनाओ, दोनों को डिवाइड करो तो तुमको मिलेगा dy वाई बाई डी एक्स, समझा, फिर उसके बाद वापस को करना पड़ेगा, समझा कैसे किया, तो पहले इतना होगा उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी ये नहीं है, तो जब बंद करें बंद, ओके तो बहुत इजी क्वेश्चन है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो बहुत इजीली हमको आ जाना चाहिए,
सेकंड ऑर्डर में बताओ, सेकंड ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो पहले फर्स्ट ऑर्डर तो निकाल लो। बोलो डिफरेंशिएट क्या करो, पहले एक्स को निकालो ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बोलो क्या निकाल गया, पहले dx / d थीटा, राइट है ना। बोलो ए एज इट इज आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये मैंने dx / d थीटा निकाल लिया। दूसरा बताओ dy / d थीटा, राइट है, ए एज इट इज हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में ठीक है माइनस साइन है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस और वो भी चलो माइनस के बन जाएगा प्लस, तो sin थीटा हो गया। क्या मुझे तुम बता सकते हैं dy / dx का फॉर्मूला क्या बनाऊं इससे, dy / d थीटा द होल अपॉन dx / d थीटा, राइट है ना, क्लियर है ना। चलो डिवाइड कर लो, dy / d थीटा क्या है, a sin थीटा अपॉन a into 1 minus cos थीटा, क्लियर है, a कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो बोलो हाँ dy / dx का बोलो आंसर कितना आ रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये इसको इजी बनाया जा सकता है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो इसका आंसर आएगा टैन थीटा बाई 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो इसका आंसर आता है टैन थीटा बाई 2। कैसे, सुनो ऐसा क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्म लगाओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्म लगाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसिलेशन होएगा, 2 गया साइन साइन गया, नहीं कॉट में आ रहा है ना, कॉट में आ रहा है, टैन थीटा बाई 2 नहीं आएगा, कॉट थीटा बाई 2 आएगा। अगर नीचे प्लस होता ना 1 प्लस कॉस थीटा तो हमको टैन थीटा बाई 2 आता था, राइट, अभी क्या आएगा, अभी कॉट आएगा। चलो तो 2 कैंसिल, साइन साइन गया, कॉस बाई साइन क्या मिल रहा है हमको, कॉट ना। तो dy / dx का आंसर बोलो क्या मिल रहा है, कॉट थीटा बाई 2। अब यहाँ से एक्चुअल गेम चालू होता है, इतना कोई भी कर लेगा, राइट, ये सबको आ जाता है। आगे सुनो, आगे वाला भी आ जाएगा, आगे वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। सुनो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे समझो ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा ना, समझा, अंदर है क्या वैसे थीटा है, लेकिन पीछे ज़रा ध्यान दो क्या दिया, देखो dy / dx, dy / dx दिया ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करूँ बताओ, डिफरेंशिएट कैसे करूँ, तुमको एक्चुअल में चाहिए क्या, तुमको तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तुमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे को एक पहले क्लियर बताओ दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करूँ। सुनो dy / dx था हमारे पास, अगर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेके आना है तो आजू बाजू विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आजू बाजू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, हाँ, तो ये थीटा भी तो एक्स में आता है ना, चलता है कि, देखो ना थीटा एक्स में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनाना है तो कुछ भी कर लो, तुमको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। ऐसा मत सोचो कि अंदर एक्स नहीं दिख रहा है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, तो बोले सर अंदर एक्स नहीं दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चलेगा, देखो एक्स के अंदर थीटा आया हुआ है, चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो तो क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, मतलब बताओ कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोज एक्स स्क्वायर में आता है, माइनस कोज एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है, थीटा बाई 2 जो है थीटा बाई 2 में, थीटा बाई 2 में से 1 बाई 2 पीछे आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसको पीछे लिख दो यहाँ पे माइनस में 1 बाई 2, बताओ बचा क्या, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच गया हमारे पास, थीटा, ये निकालने आना चाहिए बस, बाकी तो कोई कोई भी सॉल्व कर लेगा। डी थीटा बाई डी एक्स जरा ढूंढो कहीं से निकाला जा सकता है क्या, अगर मैं डी एक्स बाई डी थीटा के आंसर को उल्टा कर दूं तो बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, यही मेन है बस, यही अलग है, बाकी सब बहुत ईजी है, समझा कैसे कर रहे हैं। चलो तो डी थीटा बाई डी एक्स का आंसर बताओ जरा क्या रहेगा, यहाँ से 1 अपॉन में आएगा ना। चलो फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ऊपर रहेगा हमारे पास कोज एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे हमारे पास 2 है, राइट है, और ये भी आएगा ना ए आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, राइट है। अगर तुमको सॉल्व करना है 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो ऊपर जाके कोजेक स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब कोजेक रेस टू 4 हो जाएगा। चेक करो कि इसमें कोजेक में ही पूरा आंसर है क्या, ऐसे छोड़ेंगे, वैसे किया जा सकता है कोजेक में ही, तो कर सकते हैं। चलो माइनस में हमारे पास ऑलरेडी कोजेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, अपॉन 2 एज इट इज है, ए एज इट इज है, 1 माइनस कॉस थीटा लगाया भी ना ऑलरेडी, मतलब 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है, साइन स्क्वायर ऊपर कोजेक स्क्वायर ना, ऑलरेडी कोजेक स्क्वायर है और 2 आगे कोजेक, बोलो कितना है कोजेक रेस टू 4, मतलब माइनस 1 अपॉन 4 ए, राइट है, फिर आएगा कोजेक रेस टू 4 थीटा बाई 2, राइट है, ये किसका आंसर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चेक करो
समझा कैसे किया, बोलो क्लियर है? यही थोड़ा अलग लगा रहेगा और क्या, बाकी तो सेम ही है ना, यही थोड़ा सा अलग है। चलो तो ये फर्स्ट सम हो गया, स्टार्ट करते हैं सेकंड सम से। सेकंड सम क्या है हमारे पास, 280 स्क्वायर और 480 है, बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर टू बोलो, x इज इक्वल टू क्या है, 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है, 480 ना, 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू है हमारे पास 480। स्टार्ट करते हैं, बोलो। ये भी इजी, ऑलरेडी ये सारे सम हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लिए हैं। बोलो पहले निकालते हैं dx बाय dt, क्योंकि t का फंक्शन, बोलो 2a as it is आएगा, t square का derivative 2t ना, मतलब क्या बन गया 480, राइट है? बताओ dy by dt का आंसर क्या आएगा, 4a as it is है, dt by dt 1 हो गया, याद है? ये लगता है हमको बाद में यहाँ पे घुमाने के लिए, याद रखना। चलो तो बताओ यहीं पे निकालते हैं dy by dx का आंसर, dy by dt the whole upon dx by dt, राइट है? dy by dt का आंसर 4a upon 4at, 4a 4a कैंसिल, हाँ dy by dx का आंसर आया है 1 by t। जैसे यहाँ पे dy by dx में अंदर थीटा था, यहाँ पे क्या है t, लेकिन डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है हमको, x के विद रिस्पेक्ट टू ही करेंगे, समझा ना कैसे हम? बोलो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 1 by t है ना, 1 by t, राइट? तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ इसको, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा d by dx ऑफ 1 अपॉन t ना, d by dx ऑफ 1 अपॉन t। तो बताओ d by, जैसे यहाँ पे देखो cot थीटा by 2 था, तो उसका हमने यहाँ पे लिखा, तो 1 by t को सॉल्व कर, एक्चुअल में कैसे लिखें बताओ, 1 by t को क्या लिखें, माइनस 1 अपॉन t, तो फिर डायरेक्ट लिख सकते ना, बोलो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन मैंने t को एज अ x लेके ट्रीट किया ना, तो बताओ क्या आएगा, फिर से तुमको d बाई डी एक्स किसका निकालना पड़ेगा, t का ना, मालूम है कहाँ से मिलता है ये, इसको घुमाने से, बोलो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर पहले से dt टी बाई डी एक्स, बोलो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 480, क्लियर है? तो बताओ डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर है ना, हाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 480 क्यूब, राइट है? चेक करो, समझा कैसे किया है, इजी है ना, हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी एकदम हार्ड नहीं है। चलो तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो देखो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और बोला है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे डी स्क्वायर निकाल के दिखाना। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है और दूसरा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, करेक्ट? और बोला है निकालो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेकिन तब जब थीटा का आंसर पाई बाई टू है, मींस 90 डिग्री पे निकालना है। बहुत इजी, एक्स रेस टू एन लगाएंगे और डायरेक्ट साइन थीटा का तो आंसर हमारे पास अवेलेबल रहता है। बोलो फटाफट क्या, डी एक्स बाय डी थीटा, बोलो कितना, कॉस थीटा, ये इधर एक्स रेस टू एन लगाओ ना, बोलो डी वाई बाय डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, चलेगा ना? हाँ, अगर तुमको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स का आंसर, तो फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई बाय डी थीटा द होल अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, राइट है? बताओ डी वाई बाय डी थीटा का आंसर क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस्टा कैंसिल, क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर थीटा किसका आंसर है, हमको तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है फिर से करेंगे, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में 3 बाहर, एक्स रेस टू एन लगा रहे हैं, 2 आ जाएगा मतलब 6 हो जाएगा, 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है राइट ना, 3 लिख दूं यहाँ पे, 2 बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये तुमको नहीं चाहिए, तुमको तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे चाहिए, तो वैल्यू डाल देंगे और क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन, आंसर चेक करो 0 है क्या, पाई बाई नहीं, कितना, सिर्फ 6, साइन 91 हो जाएगा, अगर मैं ये कॉस बचा कैसे वैसे यहाँ पे, अरे गलत हो गया ना, यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दिया, देखो भूल गए,
डीटा बाई डी एक्स, अरे ये देखो ना एक्स्ट्रा करते ये वाला पार्ट, हाँ तो 3 एज इट इज था और एक्स रेस टू एन लगाया तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन हो गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर से निकाला कॉस थीटा, लेकिन थीटा को एज्यूम किया ना एज एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा भी तो आएगा। इसका आंसर ऊपर से निकालते हैं ना हम लोग, कहाँ गए वो कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, घुमा देंगे ना इसको ऐसा, तो बोलो क्या है 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन लिख दो डायरेक्ट डी थीटा बाई डी एक्स, अरे ये ना किधर गया डी थीटा बाई डी एक्स, अच्छा इधर यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स है सिर्फ कॉस थीटा सिर्फ है कॉस, तो फिर तो क्या कॉस कैंसिल हो गया फिर तो राइट ना, कॉस कैंसिल हो जाता है, बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है 6 साइन थीटा। अगर वही मैं तुमको पूछूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब थीटा की जगह पे 90 डालेंगे 6 साइन 90, साइन 91 होता है तो आंसर 6, समझा ना, इजी है, हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ना, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और बोला है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये एक्स है और ये वाई, आई थिंक चेक करते हैं एक बार, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू सेम वैसे ही है, करते हैं जल्दी ध्यान देते रहो बोलते रहो, बोलो बोलो जी बोलो 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 भैया, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन माइनस, समझा क्यों डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा राइट है, डी वाई बाई डी एक्स का सिर्फ फॉर्मूला बताओ, डी वाई बाय डी थीटा द होल अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस ऑफ बी बाय ए कॉट थीटा, कॉट थीटा ना कॉस बाय साइन, ठीक है बराबर है, ये डी वाई बाय डी एक्स का है ना, अब क्या निकालूं, हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर राइट है, वही सेम बेसिक माइनस बी बाय ए कॉन्स्टेंट वाइज होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट, तो पीछे वाला माइनस गया अब और क्या आ जाएगा कोज एक्स स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा को एज एक्स ट्रीट कर रहे हैं डी थीटा बाय डी एक्स, जिसका आंसर मुझे यहाँ से मिलेगा राइट है, चलो तो वैल्यू पुट कर लेते देखते हैं क्या आता है, बी अपॉन ए इंटू उल्टा करो नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा बराबर ना, एक कोजेक कोजेक भूल गया कोजेक, वही कोजेक कहाँ चले गया, तो बी अपॉन ए एज इट इज है हमारे पास, कोजेक स्क्वायर थीटा भी है उल्टा ना अपॉन में माइनस लिख दूँ यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर ना साइन थीटा और साइन ऊपर लेके जाते हैं कोजेक क्यूब कर दूँ क्यूब हो जाएगा ना नीचे का साइन जाता है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोजेक क्यूब थीटा, लेकिन ये हमारा मेन आंसर नहीं है, हमको तो चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ना पाई बाय 4, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कोजेक 45 कितना होगा √2 का क्यूब कर लो 3/√2 मतलब 2√2 राइट ना, तो बताओ कितना है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2√2, चेक करो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2√2, समझा कैसे किया है समझाया इजी तो है एकदम, तो यहाँ पे हमारा कौन सा कितना क्वेश्चन हो गया देखो टोटल 4 क्वेश्चन, समझा ना सबको ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे तुम्हारा लेंथ बढ़ जाएगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा ध्यान देना, प्रूफ वाले समय एग्जाम में आते हैं, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 ऐसा क्वेश्चन है और बोला है प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव दैट और शो दैट जो भी है x इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए किया तो आंसर 0 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है समझो क्वेश्चन क्या है, ये प्रूफ करके तुमको दिखाना है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया और y इज इक्वल टू 280 दिया और बोला शो दैट एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, स्टार्ट करते जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, सबसे पहले क्या करूं बोलो, सबसे पहले क्या निकालूं डी एक्स बाय डी टी निकाल लूं, डी एक्स बाय डी टी निकालते हैं, बोलो डी एक्स बाय डी टी कैसे निकलेगा 280 राइट ना, सेकंड सेकंड बोलो क्या निकालूं मैं
डी वाई बाई डी टी, राइट है, डी वाई बाई डी टी कैसे निकाला जाएगा, सिर्फ टू ए आएगा आंसर। इसके बाद बोलो क्या निकालते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स निकालने का फॉर्मल बताओ, डी वाई बाय डी टी ना, डी वाई बाय डी टी होता है और उसके बाद क्या निकल, उसके बाद क्या लिखते हैं, डी एक्स बाय डी टी ना, डी वाई बाय डी टी को जब मैं डी एक्स बाय डी टी से डिवाइड करता है तो जाके मिलता है डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, बोलो डी वाई बाय डी टी का आंसर टू ए, बोलो डी एक्स बाय डी टी का आंसर टू ए टी, मतलब आंसर वन बाय टी, राइट। ये किसका आंसर आ गया है, dy by dx का। फोर्थ स्टेप बोलो क्या निकालेंगे, d स्क्वायर y अपॉन, ये ऑलरेडी ये चीज क्वेश्चन कर लिया है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, राइट। बोलो d स्क्वायर y अपॉन, अगर तुमको dx स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकाल रहे फोर्थ स्टेप में, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, 1 by t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, लेकिन t को एज x ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव तुमको फिर से निकालना पड़ेगा dx by नहीं डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स, राइट है। डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो, बोलो ऑलरेडी क्या है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर पहले से है, डी टी बाई डी एक्स का आंसर टू ए टी हो जाएगा, तो टी टी एक कैंसिल, डी टी बाई डी, अच्छा उल्टा कर देना पड़ेगा, राइट, इसको उल्टा करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स उल्टा कर लो, वन अपॉन कितना आ जाएगा टू ए टी, मतलब बताओ टोटल आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना हुआ, माइनस वन अपॉन टू ए टी क्यूब, राइट है। ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन ये नहीं है, हमको प्रूफ करने बोला है, तो चलो इसको लेके आओ एल एच एस में प्रूफ करो, एल एच एस में पुट करो, देखो आर एच एस आता है क्या, राइट। तो फिफ्थ स्टेप हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, एल एच एस, ठीक है, चलो तो एल एच एस सॉल्व करते हैं, बोलो जरा एल एच एस में क्या क्या है तुम्हारे पास, एक्स एक्स है ना, पहले लिख देते हैं एल एच एस, एल एच एस एक बार लिखते हैं उसके बाद बोलो, बोलो क्या बताओ एल एच एस में, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए, राइट, ये डी एल एच एस ना तुम्हारा, चलो इसमें पूरा वैल्यू पुट करो, हमको क्लियर मालूम पड़ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ए और टी में, तो एक्स वाई भी ए और टी में रहना चाहिए, एक्स का आंसर ए टी स्क्वायर, वाई का आंसर टू ए टी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस वन अपॉन टू ए टी क्यूब प्लस ए ना, बहुत सारा चीज कैंसिल होना चाहिए, टू कैंसिल, ए कैंसिल, टी क्यूब बी कैंसिल, बचा क्या है, ए के बाकी है ना, टू ए कैसे है, माइनस से पीछे है, ये टू टू कैंसिल हो चुका है, ए कैंसिल हो चुका है, टी क्यूब बी कैंसिल, सिर्फ ए बचा है, माइनस में ए बचा, राइट, एक्चुअल में जो बचा है हमारे पास वो है माइनस ए और क्या है प्लस ए, आया ना जीरो, हो गया, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, समझा, समझा कैसे किया, क्वेश्चन नंबर टू। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अब धीरे धीरे यहाँ से देखो लेंथ बढ़ रहा है, वाई इज इक्वल टू दिया है ई रेज टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन है, और बोला है शो दैट करके दिखाओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, प्लस करूँ 2x माइनस m और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ dy वाई बाई डी एक्स से, तो आंसर जीरो आ जाए, ये प्रूफ करके बना, प्रूफ इजी रहता है, खाली वैल्यू तो पुट करना है बस, चेक कर लो क्वेश्चन, e रेस टू m इंटू टैन इनवर्स ऑफ x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो क्लियर देख के लग रहा है LHS में दो चीज़ का तुमको जरूरत पड़ेगा, एक dy वाई बाई डी एक्स जो हम लोग निकालते हैं और एक दूसरा डी स्क्वायर, ये निकालने के लिए डी बाई डी एक्स निकालना ही पड़ेगा, राइट है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया जाए, कर लेते हैं डिफरेंशिएट, मतलब इसको तुमको एज एक्स ट्रीट करेंगे वो टाइम पे, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेगा तो मुझे बताओ ई रेस टू एम टैन इनवर्स का आंसर कितना आएगा, ई रेस टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन तुमने इसको एक्स अज्यूम किया है तो एम तो बाहर आ जाएगा और टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझा, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल दिया। अच्छा अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, सेकेंड डी स्क्वायर, वो इतना इजी नहीं होगा, इसमें से जो चीज़ कॉन्स्टेंट है उसको अलग कर लो, बाद में देखते हैं जो भी कुछ। अच्छा क्या ये पार्ट को देखो, ऐसा देखो, मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाने वाला है वी स्क्वायर करेंगे तो। हाँ, ये ई रेस टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ, ई रेस टू एम इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, चलेगा, चलता है, और इंटू एम भी है ना हमारे पास, तो वो m को पहले लिख देते हैं और ये जो x वाला पार्ट है तो सबको साथ में लिखेंगे, ये e रेस टू m लिख दिया मैंने और ये बाजू वाला m, राइट,
और इनटू में हमारे पास ये टैन इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ ई रेस टू एम लिखा ना, ई रेस टू एम लिख दिया, एम लिख दिया और ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स और अपॉन में हमारे पास क्या था एक वन प्लस हमारा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स तो ये है ना, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होएगा ना, इसके लिए इसको अलग रख दिया है। चलो अगर मुझे सेकेंड स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा, यू बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, यू बाई वी रूल लगाना पड़ेगा ना। चलो तो यू बाई वी रूल लगाते हैं, बोलो ये वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू एम इन टू एम कॉन्स्टेंट राइट है, यू बाई वी में पहले वी आता है वी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं ई रेस टू टैन वर्स ऑफ एक्स तो ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा, लेकिन टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा जो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला में क्या किया है वी डेरिवेटिव ऑफ यू आगे माइनस यू आएगा, यू मतलब ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है वन तो जीरो हो जाएगा टू एक्स और अपॉन में बोलो क्या आएगा वी स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर राइट है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है ना, ई रेस टू टैन वर्स ऑफ एक्स कॉमन भी आ जा रहा है, देख रहे हैं ई रेस टू टैन वर्स ऑफ एक्स कॉमन भी है, तो ई रेस टू एम इन टू एम राइट, और हमारे पास ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स कॉमन भी है, क्लियर है, बताओ क्या बचा हमारे पास वन माइनस, बस वही बच रहा है हाँ वन माइनस टू एक्स द होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर ना, चेक कर लो वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर राइट, ये ऑलमोस्ट हमको यहाँ तक मिला है, इसके आगे और पॉसिबल नहीं है, यही हमारे लिए बोलो किसका आंसर हो सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना, ये हमारे लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर है, क्लियर। हाँ मेन काम तो प्रूफ करना है, ये तो दो पार्ट था जो प्रूफ करने के लिए लगता था मैंने निकाल लिया, अब आओ प्रूफ पे, तो बताओ थर्ड स्टेप में प्रूफ क्या करना क्या है, वैसे तुमको तुमको एल एच एस लेना है और एल एच एस जल्दी जल्दी बताएंगे, देखो इतना क्लियर है, चेक कर लो डी वाई बाई डी एक्स में एक्स एक्स दिखाई दे रहा है एक्स और एम, तो एक्स एम छोड़ के बाकी कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए जो प्रूफ वाला पार्ट है, तो क्या है बताओ प्रूफ में वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में क्या है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर राइट ना, हाँ फिर प्लस में हमारे पास क्या है टू एक्स माइनस एम और डी वाई बाई डी एक्स ना, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं और आंसर कितना चाहिए बताओ तुमको, जीरो आना चाहिए तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, नहीं आया तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलो तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर ये ना, ई रेस टू एम इन टू एम राइट है इन टू ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, नहीं हाँ ये बात, चलो आगे लिखता हूँ वो भी लिख देता हूँ, बोलो क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इन टू में एक और चीज़ है हमारे पास क्या है वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स भी है राइट। अच्छा अब बताओ प्लस में क्या है हमारे पास टू एक्स माइनस एम और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर बता दो कहाँ गया, ये ना ई रेस टू एम इन टू ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ना, बराबर ना राइट है, चेक कर लो करेक्ट लिखा है हाँ। अब बताओ क्या किया जाए, ये पहली बात तो ये पार्ट और यहाँ का एक पावर जा रहा है बस, और कुछ नहीं ना, और कुछ भी नहीं जा रहा है, कॉमन लेना पड़ेगा तुमको, ई रेस टू एम कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स भी कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, बोलो क्या बच रहा है तुम्हारे पास, देखो ई रेस टू एम फिर एम भी आ रहा है फिर ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स भी है, बस इतना ही है बस ना, हाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, देखो ना बराबर ना, बताओ बचा क्या, वन माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस एम ना, क्या ये एम था क्या वन, ये कहाँ से आया वन माइनस टू एक्स, हमको यहाँ से ना, ये वन माइनस टू एक्स u बाई वी हमने लगाया था ना, v डेरिवेटिव ऑफ u, इधर तो अंदर m नहीं था, v डेरिवेटिव ऑफ u ठीक है, अगर देखो कितना क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, 2x कैंसिल हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस m होता तो जीरो हमारा आंसर आ जाता था, लेकिन माइनस m यहाँ पे तो नहीं है, किस बार हाँ लगता वहीं पे हो गया कुछ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पे इधर प्रॉब्लम हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये जो पार्ट हमने निकाला
इसमें अंदर तो हमको वैसे एक्स ही दिखाई दे रहा था ना, ये तो एक्स ही था, तो इधर वो करने का जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ करने का जरूरत है, क्योंकि डी वाई मतलब अंदर तो एक्स ही है, अगर कुछ अलग टी रहता थीटा रहता तो उसको हम लोग अलग से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अंदर एक्स ही था। चेक कर लो बराबर किया है, कुछ मिस्टेक विस्टेक तो नहीं लग रहा है ना। ई रेस टू एम इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये एम कहाँ से आया, ये वाला एम डी वाई बाई डी एक्स में एम, अच्छा एम पीछे लिखा था और टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, एम इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, ठीक ये वाला पार्ट तो राइट है, इसमें माइनस एम आ रहा है, कॉमन में हम लोग ने एम लिया है ना बाहर, लेकिन ये वाला एम है, एक एम फिर भी हमारे पास बच रहा है, वन माइनस टू एक्स, ये वन के जगह अगर हमारे पास यहाँ पे एम रहता तो हमारा आंसर जीरो आ जाता था बराबर से, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल है, माइनस एम अगर फिर बच जाएगा हमारे पास वन माइनस एम, और वन माइनस एम कैंसिल नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, तो ई रेज टू एम इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है देखो, जब फर्स्ट टाइम तुम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज टू ये पूरे को एक्स एज्यूम मत कर लो, ये दिख रहा है ई रेज टू ये पूरे पार्ट को एक्स एज्यूम मत करो, क्यों, पॉसिबिलिटी है कि ये एम वाले पार्ट को हम लोग अलग निकाल के उसको कॉन्स्टेंट बना सकते हैं, तो जब पॉसिबल है तो वैसा करो, राइट। तो देखो मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेता हूँ, ई रेज टू एम लिख देता हूँ और ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट ऐसा लिख देते हैं, ई रेज टू एम इंटू ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ये सॉल्व करते हैं, राइट एक ही बात है। चलो तो बताओ, फर्स्ट टाइम अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, राइट, अगर मैं फर्स्ट टाइम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ तो कैसे सॉल्व होएगा बताओ, यूवी रूल लगाएंगे, क्यों, ये तो कांस्टेंट है, यूवी रूल थोड़ी लगने वाला है, डायरेक्ट आएगा ना आंसर, ई रेज टू एम तो हमारे लिए कांस्टेंट है ना, एम कांस्टेंट है ना, एम कांस्टेंट लेंगे एज उसको, तो ई रेज टू एम एज इट इज, ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा, राइट, ई रेज टू टैन क्या नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, टू का स्क्वायर है, राइट है, इंटू टू रेज टू वन है, समझा, आंसर निकालो इसका, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, और इंटू टू कितना हुआ, एट, यही चीज़ को अलग तरीके से लिखता हूँ, देखो टू रेज टू टू इंटू नहीं वन में यहाँ पे नहीं आ रहा ना, बेस सेम सेम है और हमारा पावर अलग अलग है, यहाँ पे टू समझो, यहाँ पे थ्री लेते हैं, चलो टू रेज टू इंटू थ्री लिया तो कितना आएगा, टू रेज टू फोर इतना आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर ना, और टू का क्यूब एट, करो कितना आता है, 32 ना, 32 ना, अगर यही चीज़ हम लोग ऐसा करके करें तो 2 इंटू थ्री तो 2 रेज टू 6 आ जाएगा, 2 का फर्स्ट पावर 2 होता है ना, 2 का सेकंड 4 होता है, 2 का थर्ड पावर 8 होता है, 2 रेज टू 4 कितना होता है, 16, और 2 रेज टू 5 32 ना, नहीं ना, 2 रेज टू 6, तो फिर ऐसा करते हैं, देखो एक दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं अलग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अलग नहीं करो, और अगर फर्स्ट टाइम अलग नहीं कर रहे तो सेकंड टाइम भी अलग मत करो, ये लॉजिक रख सकते हैं, समझा है? एक टाइम अलग करेंगे एक टाइम अलग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ई रेज टू ऐसा ये इसको एज इट इज रख लो, फिर देखो ये वाले पार्ट को एज इट इज रखो और उसके हिसाब से देखते हैं सॉल्व करते क्या होता है। देखो तो अगर मैं ई रेज टू एम टैन इनवर्स ऑफ रखूँ इसको पूरे को, फिर एक्स अज्यूम कर लो, चलता ये भी चल जाएगा, लेकिन एक टाइम जो किए उससे अलग मत करना नेक्स्ट टाइम, ऐसा बोलो ई रेज टू एक्स को बोलो क्या लिखते हैं हम लोग, फिर ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही आएगा, ई रेज टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट ना, एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो एम आएगा और टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। अब अगर मैं सेकेंड टाइम जब निकालने जा रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें से कॉन्स्टेंट वाला पार्ट हम लोग क्या लेंगे, ये एम, ये एम हमारे लिए कॉन्स्टेंट, बाकी कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है तुम्हारे पास, राइट, तो ई रेज टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स को भी तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा तो बोलो कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे फिर अभी यू बाई वी लगाना पड़ेगा ना, यू बाई वी, तो पहले आएगा वी वन प्लस स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ यू, तो ई रेज टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा, राइट, इंटू एम आएगा अपॉन में क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझा, राइट ना, ये सिर्फ हुआ है वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू, यू बताओ क्या है, e raise to m tan inverse of x into m आएगा, राइट ना, नहीं m कैसे है, सुनो
v derivative of u किया माइनस u लिख दिया है, डेरिवेटिव ऑफ v वन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आता है 2x अपॉन, बोलो क्या आएगा, अपॉन v स्क्वायर ना, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर द, समझा कैसे क्या, कौन सा m, m बाहर है ना, को पहले से बाहर लिया ना इसको, m क्यों आएगा, u बाई v इसमें लग रहा है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बराबर तो है अपॉन v स्क्वायर, तो इसको और छोटा कर नहीं कुछ मतलब नहीं बनता है, कॉमन लेना है तो ले लो और कुछ होने वाला नहीं है, ये वाला पार्ट हाँ यहाँ पे कैंसिलेशन का पॉसिबल है, ये वाला पार्ट कैंसिल कर लो और नहीं ना, और बस सिर्फ तुम लोग कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं हो सकता है, ई रेस टू एम टैनवर्स ऑफ एक्स इंटू एम, इधर एम नहीं है लेकिन उधर नहीं, सिर्फ बोलो क्या आएगा बताओ कॉमन तुम्हारा, ई रेस टू एम, तो एम पहले से मेरे पास पीछे ये वो वाला एम है, ये अंदर वाला एम नहीं है, ई रेस टू एम इंटू टैन ना टैन इनवर्स ऑफ एक्स, बोलो बचा क्या, एम बचा है एम माइनस टू एक्स ना, और अपॉन में हमारे पास क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, प्रूफ वाला समय ऐसे होता है ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले एग्जाम में, दोनों हमारे पास रेडी हो गए हैं, अब LHS से स्टार्ट करते हैं चलो, तो अगर मैं अभी LHS से स्टार्ट करूँ LHS सॉल्व करने का, बताओ जरा LHS क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स राइट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास टू एक्स माइनस एम है, फिर इनटू में है डी वाई बाई डी एक्स और आंसर जीरो चाहिए हमको, देखते चलो बराबर ना, पुट करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, जरा ये देखो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ये ना, एम आएगा इनटू ई रेस टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स और अपॉन में हमारे, अच्छा एक और चीज़ है ना हमारे पास, एक बाजू में क्या है इनटू एम माइनस टू एक्स है राइट है ना, द होल अपॉन हमारे पास क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर द, तो एक पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ एक पार्ट कैंसिल होगा, बाकी एक बच जाएगा, ये एक पार्ट कैंसिल, यहाँ से एक बचा, आगे बाकी है प्लस टू एक्स माइनस एम राइट राइट है, डी वाई बाई डी एक्स बताओ जरा ये ना, ई रेस टू एम टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एम ना बराबर ना, द होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब जो जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं जरा बताओ, ये m e raise to m tan inverse of x दोनों जगह पे और नीचे 1 plus x करना, बोलो m e raise to m tan inverse of x the whole upon 1 plus x square the whole square, बोलो बचा क्या, m sorry बराबर ना, m minus 2x right, m minus 2x plus 2x minus m, आया ना अब समझा कैसा क्या हो गया था, तो ये माइनस एम प्लस एम गया, टू एक्स प्लस टू एक्स और माइनस टू, अंदर जीरो आ गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज समझा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, समझा कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो एक बार जैसा रखा है आगे भी वही वैसे ही रखो तो प्रॉपर, जैसे देखो मैंने dy by dx में पहले टाइम m tan inverse of x रखा तो नेक्स्ट टाइम भी m tan inverse of x उसको अलग नहीं किया मैंने, समझा कैसे किया, क्वेश्चन नंबर टू, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो लेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे लेकिन प्रूफ वाला समय बड़ा ही ज्यादा रहता है और ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, थर्ड क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का थ्री ना, अब क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू e रेस टू एम टी और बोला है शो दैट करके दिखाओ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, माइनस x डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, माइनस एम स्क्वायर वाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो, चेक कर लो क्वेश्चन, cos t e रेस टू एम टी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो सबसे पहला काम x t का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे सबसे पहले, बोलो जाता माइनस माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है इसके बाद y जो है वो भी t का फंक्शन है तो तुमको निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी टी, बोलो ई रेस टू एम टी का ई रेस टू एम टी ही आएगा लेकिन जब मैं एम टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेगा तो m बाहर dt बाई डी टी वन तो ये m आ जाएगा, सिंपल समझा है, थर्ड स्टेप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला बताओ डी वाई बाई डी टी द होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी राइट है, जरा बताओ फटाफट डी वाई बाई डी टी का ई रेस टू एम टी इंटू एम अपॉन माइनस ऑफ साइन टी करेक्ट है, बस इतना ही, अच्छा इसके बाद बोलो क्या किया जा सकता है, सेकेंड डायरेक्ट उसमें माइनस एम हमारे लिए
कॉन्स्टेंट ना, माइनस एम हमारे लिए कॉन्स्टेंट, यू बाई वी कहाँ लगने वाला है, ई रेस टू एम टी में और अपॉन में साइन टी में लगने वाला है, यहाँ पे यू बाई वी लगाओ, बाकी बस ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप में अभी हम लोग निकालने वाले हैं, एक मिनट, ये जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को निकालते हैं याद है ना, अंदर टी रहेगा तो क्या करना पड़ता है, उल्टा वाला कंसेप्ट वो यूज होएगा। देखो तो अगर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, पहली बात तो यू बाई वी लगने वाला है, उसमें मेरा माइनस एम कॉन्स्टेंट राइट है, वी ना साइन टी, डेरिवेटिव ऑफ यू ई रेस टू एम टी का ई रेस टू एम टी इन टू एम, वी डेरिवेटिव ऑफ यू राइट ना, रुक जाओ, वी डेरिवेटिव ऑफ यू किया लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो ये टी बचा है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ टी याद है, समझा ना, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी ना, यू कौन है, ई रेस टू एम टी डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी लेकिन डी एक्स बाय डी बाय डी टी ऑफ एक्स ना, सॉरी डी एक्स बाय डी टी बाय डी एक्स ऐसा बोल सकते हैं बराबर ना, टी को लेना पड़ेगा ना तुमको फिर से, साइन टी मतलब फॉर्मूला मतलब हम लोग साइन एक्स अज्यूम कर रहे हैं, एक्स अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से आता है बराबर है, अपॉन बाकी है ना, अपॉन क्या होता है साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स का आंसर देखकर निकालो जरा यहाँ से, माइनस वन अपॉन माइनस साइन टी, तो ये साइन टी जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स ना, तो ये साइन टी नीचे आ जाएगा तो ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा ना राइट ना, और ये अलग बन जाएगा कॉट वॉट जो भी देखते हैं क्या बनता है, माइनस एम एज इट इज कुछ कॉमन बता रहे थे, ई रेस टू एम टी ना, ई रेस टू एम टी हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, बोलो साइन टी पहले से है राइट है, नीचे वाला साइन स्क्वायर टी इसको डायरेक्ट स्क्वायर किया ना, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट किया हुआ एज इट इज रहेगा, साइन टी एज इट इज है, ई रेस टू एम टी मैंने बाहर निकाल दिया, ये एम और ये वाला एम अलग अलग चीज है, ये एम एज इट इज, डी टी बाई डी एक्स उल्टा करो माइनस वन अपॉन साइन टी ना, क्लियर है, हाँ माइनस में ई रेस टू एम टी बाहर निकाल दिया है, कॉस टी है डी टी बाई डी एक्स में, माइनस मतलब प्लस अपॉन साइन टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, समझा, आगे बताओ, इधर लिखते हैं, बोलो माइनस एम ई रेस टू एम टी, बोलो क्या क्या बच रहा है, माइनस एम बाद में लिख देते हैं, कॉस टी बाई साइन टी क्या होता है कॉट टी राइट ना, माइनस एम अपॉन साइन स्क्वायर टी, अगर करना चाहिए कॉस बाय साइन नहीं ठीक है इतना ही रहने दो, ये हमारा डी स्क्वायर वाई बाय किसका आंसर है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का आंसर ना, ठीक है। तो अब आता है LHS, LHS देखते हैं, LHS बड़ा है ठीक है, अंदर वैसे देखा जाए तो सब किस में हमारे पास x में ना, तो ये cot cos वॉस नहीं दिखना चाहिए वो टाइम पे, पूरा का पूरा x में रहना चाहिए, x y में रहना चाहिए, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग वो टाइम पे, चलो ठीक है यहीं से चालू करो LHS, चलो फिफ्थ ध्यान दो यहाँ पे LHS स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो एकदम अच्छे से, बोलो क्या है LHS हमारे पास, वैसा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई राइट है ना, चलो वैल्यू पुट करते हैं, कॉस वॉस नहीं लिखना चाहिए है नहीं ऐसा मैं, बट टी पहली बार टी नहीं लिखना चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं, बोलो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे लेकिन कॉस साइन वाई नहीं लिखने वाले राइट, कॉट टी कैसे निकाला जाएगा, कॉट टी कैसा, कॉट तुमको वैल्यू वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ से, कॉट को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसे हम देखा जाए तो साइन में, साइन नहीं कॉस में, क्योंकि कॉस के जगह पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, चलो वही करना पड़ेगा देखते हैं ठीक है। तो ये एज इट इज लिख दिया है, बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर में क्या आएगा, माइनस ऑफ एम राइट है, एक मिनट डी वाई बाई डी एक्स में भी है कैसा कुछ कॉट वॉट है, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ गया, यहाँ पे नहीं, इसमें सिर्फ एक साइन है, साइन को भी हमको लिखना पड़ेगा, साइन को हम लोग एज अ कॉस लिखना पड़ेगा अंडर रूट में करके ठीक है, थोड़ा बड़ा होने वाला है देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम है और ई रेस टू एम टी राइट, ये अंदर वाला पार्ट ऐसा लिखो कि तुम्हारे पास अंदर ट्रिग्नोमेट्री दिखना ही नहीं चाहिए, कॉट टी को एज्यूम कर लो कॉस टी बाय साइन टी राइट, एज्यूम कर लो माइंड में, देखो मैं ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ इतना पार्ट, कॉट टी को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, कॉस टी बाय साइन टी, कॉस टी बाय साइन टी ना, कॉस टी क्या है एक्स बराबर, साइन टी को क्या मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, साइन टी आइडेंटिटी अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, वन माइनस कॉस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, समझा ना मैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री टी दिखना ही नहीं चाहिए, सॉल्व नहीं कर पाएंगे नहीं तो ऐसा है,
तो ये मैंने सिर्फ cot t लिख दिया, समझा? माइनस में m एज इट इज है, साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t. क्यों लिख रहा हूँ? cos में ही सॉल्व कर किया जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं. तो बोलो क्या लिखूँ मैं? 1 माइनस x स्क्वायर, चलेगा ना? तो ये इतना बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो नीचे लंबा आ जाएगा, इसको ऊपर लिखना चाहिए था हमको. ठीक है, इधर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से फिर से चालू करना पड़ेगा, देखो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है. 1 माइनस क्या है हमारे पास? 1 माइनस x स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लोग ने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरा पुट कर दिया है. क्या मिला है हमको? माइनस था ना हमारे इसमें, हाँ माइनस है, माइनस m e रेस टू m t है, और इंटू में एक ब्रैकेट चालू होता है यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस m. थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना, बीच में अटक गए तो गया m, और अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे? अच्छा, इसका खुद का अपॉन है, तो अपॉन में इसके अंदर है 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? ऐसा कुछ है. ये हमारा पार्ट किसका? ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. अच्छा, अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे वाला पार्ट बताओ जल्दी जल्दी, बोलो. यहाँ तक आ चुके, माइनस ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, ढूंढो कहाँ गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर ना, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m e रेस टू एम टी, राइट है, अपॉन साइन टी, साइन टी नहीं लिख सकते, कॉस में, ठीक है. अंडर रूट में क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिखना पड़ता है, ठीक है. तो लिख दिया ना पूरा, ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया ना. माइनस में क्या चाहिए हमको? एम स्क्वायर वाई, इसको सॉल्व किया तो जीरो आंसर आना चाहिए, राइट? इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आना चाहिए? चलो सॉल्व करते हैं. देखो तो वन है, कुछ नहीं है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और साथ में इधर भी. ये मल्टीप्लाई में कैसा है? मल्टीप्लाई में ही है, तो डायरेक्ट कट कर लेते हैं ना ये वाला पार्ट, बराबर ना, कैंसिल हो सकता है. अंदर बताओ क्या बचा? माइनस एम ई रेस टू, एक मिनट, दो जगह पे ना खाली, ऐसा कॉमन लो, ये एम ई रेस टू एम टी है ना, कॉमन लो एम ई रेस टू एम टी कॉमन. पहले प्लस वाला लिखने वाला हूँ मैं, बोलो, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, बराबर ना, वो है बाद में, ये सिर्फ ये दो का देख रहा हूँ मैं. हाँ, अब माइनस, ये वाला माइनस एम ई रेस टू एम टी गया, सिर्फ इतना बचा ना, सिर्फ इतना बचा ना, अरे इंटू में ना ये भी गया, वही वन का भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक मिनट और, ये माइनस साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर ऑपरेट भी तो होने वाला है, राइट है, लेकिन नीचे क्रॉस, चलो ये बाद में होगा जब अंडर रूट हटेगा तो, ठीक है. बताओ क्या आएगा, बताओ, बोलो, ये माइनस वन में किसका? ये माइनस इसका है, ये एम ई रेस टू एम टी आ चुका है, बोलो, एक्स माइनस एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, देखो चेक करो, ऑपरेट कहाँ किया अभी तक, ये दिख रहा है होल डिनोमीटर, ये ऐसा डिनोमीटर ना, अभी इसका मतलब ये ऑपरेट नहीं किया मैंने. अरे माइनस साइन मालूम है ना कब ऑपरेट होता है? माइनस साइन अभी तक ऑपरेट हुआ ही नहीं है अंदर, जब ऑपरेट होएगा तब होएगा, समझा अभी तक कैसा है? देखो, राइट है, कि कुछ तो एक बच गया, देखो माइनस एम स्क्वायर वाई ना, माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई, क्या किया जाए बताओ? कॉमन ले लेते, हाँ, ये वाला पार्ट हमने एज इट इज लिख दिया था, इसमें से ये निकाला है ना, कॉमन ले लेते हैं ये वाला पार्ट. बोलो क्या मिला बताओ हमको फिर? एम ई रेस टू एम टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ क्या बचा? एक्स, अब माइनस ऑपरेट होएगा, अब मैंने डिनोमीटर हटा दिया है, डिनोमीटर हट गया, एक्स माइनस एक्स प्लस एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, बराबर ना, माइनस में एम स्क्वायर वाई, ठीक है, बताओ क्या जा रहा है? ये जा रहा है, ये भी जाएगा, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अब ये बोलो एम ई रेस टू एम टी, बोलो इनटू में क्या बचा है? एम स्क्वायर कर दूं, एम स्क्वायर कर दूं ना इसको, एम स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो रहा था ना हमारा, और बताओ क्या है? माइनस एम स्क्वायर वाई, ये पार्ट तो जा रहा है, बोलो क्या बचा? एम स्क्वायर, एक मिनट, ई रेस टू एम टी है क्या? ई रेस टू एम टी तो वाई, जीरो आ गया ना आंसर,
अरे e raise to mt है क्या, y minus m square y आया ना जीरो, therefore LHS equal, समझा, घुमा फिरा के लाना पड़ेगा, अगर प्रॉपर गए तो ही हो सकता है सम, समझा कैसे किया है, राइट है, समझा कैसे किया सब लोग ने, तो देख लो प्रॉपरली, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, समझा कि ना कैसे सबको, ओके आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3, समझा ना सबको, थोड़ा सा बड़ा है, पहले ही बताया था, अब धीरे धीरे बड़ा होने वाला है, प्रूफ है वाला सम है, प्रूफ मतलब तुमको लेकर आना ही है घुमा फिरा के कैसे भी करके, तो ये एक प्रूफ तो यहाँ पे हमारा हो गया, अब धीरे धीरे बड़े बड़े प्रूफ, अब ऐसे ही बड़े बड़े प्रूफ्स आने वाले हैं, अब छोटे छोटे प्रूफ नहीं आने वाले, अब सब बड़े बड़े प्रूफ्स आएंगे, और प्रूफ वाले सम ही एग्जाम में आते हैं डेरिवेटिव में, ईजी ईजी सम एग्जाम में कभी नहीं आता है, चलो आगे स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ, थर्ड का थर्ड कर दिया ना, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, ओके फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y दिया है, y क्या दिया है, x प्लस tan x, और बोला है शो दैट करके दिखाओ, cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू एक्स का आंसर कितना आना चाहिए, जीरो, चेक कर लो, y इज इक्वल टू x प्लस tan x, cos स्क्वायर x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट जल्दी बताओ, सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ना, सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स, बताओ क्या आएगा, वन आएगा, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, मत टैन एक्स है ना, करेक्ट, टैन वर्स नहीं है वो, टैन एक्स से क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, याद है इसको एक्स रेस्ट वन लगाएंगे, और वन का डेरिवेटिव जीरो ना, एक्स रेस्ट वन लगाया तो टू sec x, फिर डेरिवेटिव sec x, sec x tan x, समझा, हो गया दोनों, फिर अब डायरेक्ट LHS, LHS में आते हैं, बोलो LHS क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू एक्स, राइट है, और आंसर जीरो चाहिए, तो जाके LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, बोलो cos स्क्वायर x है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टू इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 2 इंटू वाई का आंसर x प्लस टैन एक्स, x प्लस टैन एक्स प्लस प्लस बोलो 2x है ना, ये लिख दूँ ऐसा ना पड़े, ठीक है चलो, प्लस में 2x, राइट है, sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x उल्टा ना एक दूसरे का, 2 टैन एक्स आएगा, ये देखो माइनस 2 टैन एक्स आने वाला है, देखो माइनस 2x आएगा, देखो प्लस 2x है, सब जाएगा, कर लो एक बार लिख लो, बोलो कितना आएगा, 2 tan x माइनस टू मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स माइनस टू टैन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स से माइनस टू एक्स जाएगा, माइनस टैन एक्स प्लस टैन एक्स, समझा ना जीरो, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, समझा ना कैसे किया है, इजी तो है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट, क्लियर है सबको, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ओके तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया है, फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ थोड़ा सा बड़ा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो और बताओ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमको दिया है y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स ना, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, राइट है, बस अच्छा आगे भी है साइन बी एक्स ना, थोड़ा डिस्टेंस में लिखा है, चेक कर लो बराबर यही है, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, बस इतना ही है, और बोला है शो दैट करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाय डी एक्स, यही ना, प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो, चेक करो ऐसा ही है, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन, मतलब जो भी है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट करते हैं, हाँ क्या दिया पढ़ो जरा, क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, y2 मतलब d square y by dx square, y2 ना y1 मतलब dy by dx, याद रखो ये भी एक है कंसेप्ट,
वाई टू का मतलब समझ आता है, वाई टू लिखा ना तुम्हारे स्मेटस में, वाई टू का मतलब ही क्या, वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यही रहेगा खाली, इसके जगह पे वाई टू लिखा रहेगा, इसके जगह पे वाई वन लिखा रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, इसको ही बोलते हैं, एक ही चीज़ है। स्टार्ट करते हैं, यू वी से चालू हो जाएगा ना, यू वी, ओके बोलो पहला काम, बोलो डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेते हैं, बोलो ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू बी ना, राइट है, बराबर है, प्लस साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स इंटू ए, राइट है, कॉमन आ रहा है कुछ, ई रेज टू ए एक्स ना, अगर मैं ई रेज टू ए एक्स कॉमन निकालूं तो बोलो बचा क्या, ए ए साइन लिख देते हैं, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस ए साइन बी एक्स, इधर बी था तो बी आया, हाँ राइट है ना, राइट है ना, इधर मैंने ई रेज टू ए एक्स का डेरिवेटिव निकाला, इधर वाई बी का निकाल रहे थे तो राइट है, बी के साथ बी आया, जरूर नहीं कि हमेशा फिर बाद में ए के साथ ए, देखो ए के साथ ए है ना यहाँ पे, ई रेज टू एक्स बाहर निकाल दिया था हमने, तो क्या लिखो बताओ यहाँ पे, क्या लिखा था मैंने, ए साइन बी एक्स लिख दिया, अब प्लस बी कॉस बी एक्स, राइट है, क्लियर, ये हुआ हमारा डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड बोलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स ना, यू वी नहीं लगेगा, इधर यू वी ना, अरे ये इसमें यू वी लग रहा है ना, ये यू और ये पूरा वी ना लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बोलो ई रेज टू ए एक्स, फिर साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, और बी भी आएगा मतलब ए भी बन जाएगा, बराबर ना, प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि कॉस है ना, माइनस साइन बी एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी कर दिया ना हम लोगों ने, राइट है, प्लस वी आएगा, v में क्या है हमारे पास, a साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, राइट है, v डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ए, यहाँ से भी तुम लोग ई रेज टू ए एक्स कॉमन निकाला जा सकता है, और a को तुमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, निकालो ई रेज टू ए एक्स द होल कॉमन निकालो, बताओ क्या क्या बचा, ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ए मल्टीप्लाई करके बताना, और पीछे प्लस है, प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, कुछ हो रहा है क्या, देखो जरा यहाँ पे ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स वहाँ पे है ना, टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा ना, कैंसिल कैसे होएगा, ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, टू टाइम्स हो जाएगा ना, ई रेज टू ए एक्स, बोलो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ए बी कॉस बी एक्स, राइट है, साइन बी एक्स कॉमन आ सकता है, राइट है ना, बोलो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ हमारा किसका आंसर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ना, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा ही आएगा आप सब, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब बोलो क्या चाहिए, एल एच एस ना, अब एल एच एस स्टार्ट करेंगे, थर्ड स्टेप एल एच एस, बताओ जरा एल एच एस है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाय डी एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल इंटू वाई ना, राइट है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस टू ए डी बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ठीक, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आना चाहिए जीरो, ये ना एक मिनट, इधर ई रेज टू ए एक्स है, इधर भी ई रेज टू ए एक्स आएगा, कॉमन ले लूँ डायरेक्ट, क्या लिख दूँ पहले एक बार लिख देते हैं, हो जाएगा बाद में, चलो ई रेज टू ए एक्स, बोलो क्या आ जाएगा, टू ए बी कॉस बी, देखो हाँ कैंसिल, प्रॉपर दिमाग लगाओ कैसे कैंसिल होता है, देखो कॉस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट पर लिख देते, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, राइट है, ये सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स है ना हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, टू ए ना कॉमन, तो हम लोग ई रेज टू ए एक्स से निकालेंगे, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ई रेज टू ए एक्स लिख रहा हूँ मैं, राइट है, लेकिन टू ए डी वाई बाई डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो 2a square sin bx plus 2ab cos bx, समझा, बोलो क्यों किया मालूम, अरे अल्टीमेटली तुमको e raise to ax कॉमन निकालना है ना, वो बाद में अगर तुमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पहले ही कर दो ना, आगे प्लस में हमारे पास a square plus b square और y भी है, y मतलब क्वेश्चन ना, लेकिन क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा कोई पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ही है, y का वैल्यू पुट करो इधर e raise to ax, अरे फिर तो e raise to x ये भी कॉमन आ जाएगा, राइट है, फिर क्या है हमारे पास साइन
साइन बी एक्स, देखो कैंसिलेशन होने का चांस है, दिख रहा है ये, दिख रहा है क्या माइनस बी, ऐसा हो सकता है, देखेंगे बाद में, चलो तो ठीक है ना। अभी कॉमन ले लेते हैं, अब ई रेज टू ए एक्स कॉमन, बड़ा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, और एक बात समझो बड़ा ब्रैकेट में ये साइन बी एक्स मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अंदर, ये दिख रहा है, तो ही क्योंकि एक पार्ट कैंसिल होगा, ये ए स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी कैंसिल होने वाला है वहाँ पे, तो ये साइन बी एक्स मल्टीप्लाई करके बताना मेरे को, बाकी ठीक है पूरा। बोलो 2ab cos bx plus a square sin bx minus b square sin bx, right है, minus operate करो, minus 2a square sin bx minus 2ab cos bx, right है, फिर e raise to x गया है, sin bx multiply करो, plus a square sin bx plus b square sin bx, proper है मेरे ख्याल से, सब कटना चाहिए तो ये आंसर जीरो आएगा हमारा, जीरो चाहिए ना, हाँ देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है क्या, नहीं ना जा रहा है, ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स कितना हो गया, टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी, गया ना, मालूम पड़ रहा है कि जीरो चाहिए मतलब पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, तो अब जीरो इंटू एनीथिंग इज, तो यहाँ पे तुम्हारा समझा ना इज इक्वल टू जीरो है, और देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, समझा कैसे किया है, इजी है ना। सेवन, सेक इनवर्स ऑफ सेवन एक्स क्यूब माइनस फाइव वाई क्यूब द होल अपॉन सेवन एक्स क्यूब प्लस फाइव वाई क्यूब इज इक्वल टू एम, देन शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है राइट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, लास्ट एक्सरसाइज है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ओके देखो आंसर में क्या बोला है, पहली बात तो आंसर में हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, और ये टाइप का सामने बहुत बार सॉल्व किया है, सेक इनवर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन छोटा कर रहा हूँ, तो हमारे पास बताओ क्या, अगर मैं सेक इनवर्स को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो क्या मिलेगा हमको, सेवन एक्स क्यूब माइनस फाइव वाई क्यूब अपॉन सेवन एक्स क्यूब प्लस फाइव वाई क्यूब, और आंसर में सेक इनवर्स यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा सेक ना, तो यहाँ आ जाएगा सेक ऑफ एम, बराबर है राइट ना। अभी डी स्क्वायर वाई मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं चलो, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ तो ये तो मैंने क्वेश्चन को छोटा किया, अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं राइट, डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन या फिर बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो बताओ यहाँ पे यू बाय वी लगेगा ना, यू बाय वी बताओ फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे, v मतलब क्या आएगा 7x क्यूब, बोलो तो बैठना नहीं है खाली यहाँ पे आके, 5y क्यूब राइट, ये v लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u, u का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x square, तो वो 3x square को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा 21x square राइट है ना, हाँ माइनस एज इट इज है, फिर से y क्यूब आ गया, y क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3y square, और वो dy by dx भी आएगा 3y square मतलब पीछे के 5 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 15y square और dy by dx राइट है, क्या किया है v डेरिवेटिव ऑफ u राइट, बड़े बड़े सम से इजी नहीं है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, u यहां पे आएगा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब राइट है, v देखो क्या किया हमने, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, अब करेंगे किसका डेरिवेटिव, v का ना, मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब यही आएगा, अरे सेम सेम है ना, खाली बीच में क्या है प्लस, तो लिख दो फटाफट बोलो क्या आ जाएगा 21x square plus 15y square और dy by dx आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, द होल अपॉन बोलो क्या आएगा, द होल अपॉन v square ना, मतलब ये वाले पार्ट का ना, मतलब 7x cube plus 5y cube द होल स्क्वायर, और sec m का डेरिवेटिव जीरो क्योंकि m तो कांस्टेंट है राइट ना, हाँ ये v square को जीरो के बाद भेज दो ऐसा, वो भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो हमको मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वैसे कुछ कॉमन तो नहीं निकाल सकते यहाँ से, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता है, चलो फिर एक काम करना, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करके बस बताना डायरेक्ट ऐसे इनटू में लिख देंगे वहाँ पे, क्योंकि कॉमन लेके जीरो के पास ही जाएगा मोस्टली,
समझो ये वाला पार्ट ऑलरेडी याद है ना, प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना चाहिए जीरो, लेकिन उसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स तो अलग कर लो, उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखेंगे। चलो तो ये पार्ट गया जीरो हो गया, थोड़ा बड़ा आया, ये पार्ट गया वहाँ जीरो हो गया। चलो ये मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी जल्दी अल्फाबेट, या फिर करके बताएंगे होएगा, हाँ करके बताना, देखो मल्टीप्लाई वगैरह करके लो पहले ही। 21 7 कितना 1 करेक्ट है ना, बाकी लोग मल्टीप्लाई किए 147 और कितना हो जाएगा एक्स रेस टू 5 राइट है, ये हो गया। मतलब इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको आगे भी कर दो 15 7 जा 105 ना, बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स राइट है, इसको मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आगे भी मल्टीप्लाई कर दिया राइट है। सेम बेसिक काम इसके साथ करो 21 5 जा 105 और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ना, इसको ही आगे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 5 जा कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 75 और वाई रेस टू 5 ना, वाई रेस टू 5 और डी वाई बाई डी एक्स, ये तो यहाँ पे किया, सेम ऐसा काम तुमको आगे भी करना है, नंबर तो वही रहेगा ना एज इट इज। अच्छा मेरे को लगता है सिर्फ सेम सेम वही आने वाला है, सिर्फ ये जो हमारे पास इधर बीच में माइनस था इधर क्या है प्लस है, यही चीज रहेगा सेम, यही चीज आना, सिर्फ साइन तुमको चेंज करना पड़ेगा, करेंगे साइन चेंज। चलो तो पहले बताओ 7x क्यूब को अगर मैं 21x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले बताओ, माइनस साइन के साथ बता रहे हैं माइनस में 147 और एक्स रेस टू, देखो बता रहा हूँ ये कर रहा हूँ, पहले ये करूंगा फिर बाद में ऐसा करने वाला हूँ, तो एक्स रेस टू 5 ना 147 एक्स रेस टू 5 चेक कर लो बराबर है, हाँ फिर ये माइनस वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होएगा ऐसे आएगा ना बराबर ना, तो बोलो कितना देगा बताओ, माइनस में 105 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स ठीक है, देखो चेक कर लो बराबर किया ना यहाँ से, हाँ अब ये बन चुका है प्लस, ये प्लस हो गया है, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 5 है प्लस में ना 105 और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ना एक्स स्क्वायर वाई क्यूब क्लियर है, देख लो बराबर नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक बार और करना है हमको, बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी ध्यान दे इधर, ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया ना उन्होंने, किसको किया 5y³ को इससे किया ना बराबर ना, हाँ अब आगे करते हैं बोलो, ये प्लस को प्लस है, प्लस इससे हो गया बोलो कितना प्लस में 75 और y रेज टू 5 क्लियर है बराबर ना, और डी वाई बाई डी एक्स चेक कर लो बराबर किया है क्या, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुआ आगे प्रॉब्लम हो जाएगा हमको, देख लो ये मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म आया फिर सेकेंड टर्म यहाँ से आया ये थर्ड और यहाँ पे फोर्थ राइट है साइन बराबर है, ये फिफ्थ टर्म माइनस में सिक्स्थ भी माइनस में ये प्लस में आ रहेगा एक और दूसरा टर्म भी प्लस में बराबर समझा, करते हैं कुछ कैंसिलेशन वगैरह देखो चेक करो जरा हो रहा है क्या कुछ भी, तो 147 जा रहा है और कुछ जा रहा है क्या, देखो ये प्लस 147 एक्स रेस टू 5 ये गया और ये नहीं ये तो डी वाई बाई डी एक्स ना ये जा रहा है, ये वाला पार्ट ये 75 वाला ये जा रहा है ना 75 वाई रेस टू 5 डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस में ना, और ढूंढो कुछ और नहीं ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट भी प्लस में ये नहीं हो पाएगा ना ठीक है, जो बचा वो लिखते हैं बोलो पहले प्लस वाला लिखते हैं, ये प्लस में है ये प्लस में 105 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 105 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 210 ना राइट ना 210 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब राइट है, और ये वाला पार्ट ना माइनस में 210 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट ना, ये पार्ट को भेज देते हैं यहाँ पे, या तो इसको इधर लेके आओ उल्टा लिख दो ऐसा चलेगा ना, बोलो करो ऐसा करो बोलो कितना आ जाएगा 210 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा ना, नहीं इसको यहाँ भेज दिया है तो प्लस हो गया और मैं उल्टा लिख रहा हूँ ऐसा राइट है, तो प्लस में आएगा ना 210 एक्स स्क्वायर, समझ में नहीं आया कैसा है, देखो ना ये वाला पार्ट मैं इधर लेके आ गया हूँ लेकिन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि इधर है ना डी वाई बाई डी एक्स, हमको यहाँ पे चाहिए, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है होएगा 210 जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ के पावर ना एक एक्स बचा हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ का एक पावर, समझा ना क्या बचा है बोलो समझाया ठीक है, तो बताओ क्या बचा है यहाँ पे एक एक्स बाकी है और यहाँ पे मतलब वाई के नीचे भेज दूँ डायरेक्ट ऐसा, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर
लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। डी स्क्वायर मतलब एक बार वापस डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया फिर से उसको डिफरेंशिएट करो। बोलो अगेन डिफरेंशिएटिंग, राइट ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करते हैं फिर से, यहां पे यू बाई भी लगेगा ना, यू बाई भी लगेगा। ओके तो डी वाई बाई डी एक्स के वापस एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये समझा ना कैसा है, लास्ट एक्सरसाइज में यही है ना। अच्छा इज इक्वल टू यू बाई भी लगाओ, बोलो क्या आएगा, एक्स फिर बोलो जल्दी से बताओ डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस माइनस वाई वन ना, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाता है अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट है, समझाए, चेक को जरा आंसर कितना चाहिए हमको, आ रहा है जीरो नहीं ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना चाहिए, बाकी अभी हुआ कहाँ पे, जीरो लाने के लिए तुमको यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, तुमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पुट करना पड़ेगा, आ जाएगा ना जीरो, बन सकता है ना, पुट करो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, यहाँ से उठाओ यहाँ पे लाके पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, बोलो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स ना, तो क्योंकि x एज इट इज है और dy वाई बाई डी एक्स का आंसर है y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x x कैंसिल, बताओ ऊपर बचा क्या, y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ना, मतलब जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कितना जीरो, देयरफॉर एल एच इज इक्वल टू आर एच, समझा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा आता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, समझाए बोलो सबको, इजी था ना, कुछ नहीं सिंपल, जो बोला है प्रूफ करने वो आंसर आना चाहिए और आ गया तो राइट, समझाया ना, चलो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं आज हम, और सब बड़े बड़े सम से आएंगे, छोटे छोटे नहीं करने वाले हम लोग। क्वेश्चन दिया है इफ 2y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 देन शो दैट, तुमको शो दैट करके दिखाना है कि यहां पे तुम्हारा जो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए, फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनना चाहिए, क्वेश्चन चेक कर लो, राइट लिखा मैंने, टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन अपॉन नहीं मतलब अलग है वो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करने बोला है बराबर, क्या करेंगे बताओ, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, लगता है ना ये एल एच एस सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर क्या लगेगा डी स्क्वायर, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये जो काम किया ये करना है और फिर लास्ट में आके एल एच एस सॉल्व करना है, कल भी तो किया था ये सब ऐसा टाइप का। चलो सबसे पहला काम बताओ क्या किया जाए, जो ऊपर ये वाला फंक्शन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बराबर ना, हाँ बोलो क्या क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं बराबर, बताओ जरा टू कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव, बोलते रहो ऐसा नहीं चलेगा बैठ के खाली, मजा लेने नहीं आए यहाँ पे तुम लोग, बताओ जल्दी आगे, रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, रूट एक्स क्या होता है वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, मतलब एक्स प्लस वन राइट है, और बाजू में क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन राइट, ऐसे होता है ना, आगे बताओ प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस वन क्या आएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, क्योंकि मैंने उसको एक्स अज्यूम किया है राइट है, अब बेसिक डेरिवेटिव लेते हैं, बोलो क्या आएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज है, डेरिवेटिव पहले एक्स को मिलेगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, वन लिखते नहीं है ठीक है ना, एज इट इज आगे बताओ यही रहेगा ना सेम ऐसे टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, वो भी गया ठीक है समझ में आया, और ये टू किसका है, ये टू का है, मतलब अगर तुमको यहाँ से टू हटाना तो यहाँ पे फोर फोर कर लो, या तो डायरेक्ट वन बाय फोर बाहर भी ले सकते हो राइट, ऐसा भी किया जा सकता है, ये ब्रैकेट ऐसा डाल लो और यहाँ पे लिख दो वन बाय फोर और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, अरे मैंने नीचे से टू कॉमन ले लिया और यहाँ का टू भी भेज दिया, बन गया फोर सिंपल, ये एक काम मैंने कर दिया, देखो मुझे ये मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है राइट, एक और काम चाहिए तुमको, एक और चीज निकालना पड़ेगा क्या, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अभी किया ना फिर से डिफरेंशिएट, फिर एल एच एस में आके पुट कर देंगे, बनाएंगे हमारा आंसर, आंसर आया देखो
तुम्हारे जो डाइजेस्ट टारगेट जो भी रहेगा उसमें उसमें बहुत सारा अलग अलग तरीका दिया है, डायरेक्ट फुल का फुल बन जाता है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। एक बार डिफरेंशिएट करो डी बाई डीएक्स निकालो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर निकालो और ला के एलएचएस में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। राइट, आया ना आंसर, देखो यहाँ पे करके तो दिखाया, ऐसा यहाँ भी होने वाला। बोलो क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, कैसे विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। चलो तो बोलो क्या बन जाएगा dy by dx का, अगर मैं फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालूं तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 एज इट इज है। राइट है, इसको थोड़ा हमको मैनेज करना चाहिए था यहाँ पे। चलो आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव है, 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। राइट है, 1 अपॉन रूट एक्स का भी डेरिवेटिव बताया तुमको फॉर्मूला, देख लो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स। राइट है, 1 अपॉन रूट एक्स का भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, माइनस 1 अपॉन 2, वो बात अलग है कि टेक्स्ट बुक में नहीं है फॉर्मूला, लेकिन हम लोगों ने बनाया था उसको 11th में। राइट, तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स। बोलो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1। राइट है, रूट एक्स मतलब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। राइट है, समझा, और एक्स प्लस 1 को मैंने एज एक्स ट्रीट किया है, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा एक्स वन, लेकिन ये चीज पहले करके देख चुके हैं कि आंसर 1 आता है, तो क्यों करूं फिर से एक बार। ठीक है, आगे बताओ, प्लस फिर से 1 अपॉन रूट एक्स, बोलो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन फॉर्मूला है माइनस 1 अपॉन 2 एक्स, एक्स को ने बताओ एक्स माइनस 1, और फिर क्या आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 को मैंने एक्स अज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव फिर से निकाल लेंगे, लेकिन निकाल के देख लिया ऑलरेडी 1 आता है, राइट, तो नहीं लिखेंगे। समझा है, बोलो यहाँ तक समझा है, निकाल लो माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लो, बना दो, सो क्या बनेगा देखो। वैसे ना हमको उधर एच में पुटी करना है, ठीक है चलो इजी करने के लिए कर लेते, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलो माइनस 1 अपॉन 8 ना, 8 और ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन क्या आएगा एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स प्लस 1, राइट, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ना, और रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, समझा है, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना। चलो आते हैं मेन एलएचएस जो हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, ये ना थर्ड पॉइंट ना एलएचएस। चलो बताओ एलएचएस में पुट करेंगे फटाफट वैल्यू ना, यहाँ पुट करना पड़ेगा ना, देखो ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया है, जस्ट वैल्यू पुट करना है बस, आ जाएगा फिर हमारा आंसर, देखते हैं। तो क्या है बताओ हमारे पास एलएचएस में, 4 है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बताओ जरा ये ना, और देखा जाए तो क्या होएगा, देखो इतना तो क्लियर है, जीरो आंसर आने के लिए सब कुछ कैंसिल होना चाहिए ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं चलेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में न्यूमरेटर खाली है ना, 1 माइनस 1 बाई 8 भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और जो देखो पीछे है ना ये भी मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। देखो तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला ना वो, राइट ना, तो बोलो क्या बनेगा अपॉन में, और वो माइनस में आ जाएगा, माइनस बोलो क्या आएगा 8 ना, 8 एक्स प्लस 1 और रूट ऑफ, मैं क्यों कर रहा हूँ ना, जीरो आने के लिए सब कैंसिल होना चाहिए ना, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा फिर से, माइनस 4 अपॉन 8, और ऊपर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बोलो क्या मिल जाएगा एक्स माइनस 1 रूट ऑफ एक्स माइनस 1। राइट है, बराबर ना, इतना काम कर दिए, आ गया हो, प्लस 4x हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy by dx में इधर, राइट है, 4x अपॉन बोलो क्या आएगा 4 रूट ऑफ x प्लस 1, आगे प्लस 4x इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, 4x अपॉन ये 4 ना, 4 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है, और लास्ट में क्या है माइनस y, हमको वहां से तुमको y ढूंढ के निकालना पड़ेगा, y निकालो जरा, 2 नीचे भेजो, 2 नीचे भेजो, बोलो क्या आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2, देखो माइनस में y है तो y माइनस साइन अंदर ऑपरेट होएगा ना ऐसा, तो बोलो क्या आएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2, ये पूरा सब कुछ कैंसिल होना चाहिए, और तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। ट्राई करते हैं, बताओ कैसे कैंसिल करूँ, नंबर तो दिख रहा है 1 बाई 2 तो हो जाएगा, यहाँ भी 1 बाई 2 हो जाएगा, ये वो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, सोचो, और 1 देखो लास्ट वाले 2 से कैंसिल होने का चांस है, कैसे करें लेकिन ये बताओ, बोलो क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या किया जाए बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दूँ उसको, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी जो आएगा तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा ना, हो रहा है ना, तो करो ना, यही तो करते हैं, यहाँ भी कर दो ऐसा, और आगे नहीं हो सकता है। बोलो ये गया ऐसा कैंसिल होएगा ना, यहाँ पे नीचे टू बच रहा है ना, ये फोर फोर जा रहा है, ये फोर फोर जा रहा है, बोलो क्या मिल रहा है बताओ, एक्स माइनस वन फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और रूट ऑफ ए, टू भी था ना हमारे पास, टू भी है ना माइनस में, नीचे टू भी तो है, देखो ना फोर बाई एट कैंसिल हुआ है, एक्स प्लस वन राइट है, आगे बताओ माइनस, इधर भी करते हैं वैसे ही, नीचे भी तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो सकता है ना, बोलो एक्स माइनस वन, हाँ टू लिख देते हैं, एक्स प्लस प्लस वन आएगा ना, एक्स प्लस वन अपॉन टू ना, टू बाकी याद है, टू बाकी है, बोलो आगे बताओ, एक्स माइनस वन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो गया, आगे बताओ जल्दी जल्दी, प्लस था ना आगे, प्लस क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत कुछ बाकी है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, कुछ तो जाना चाहिए, ये एक्स प्लस वन जा रहा है, ये एक्स माइनस वन जा रहा है, बस ना और कुछ नहीं जा रहा है ना, देख लो बराबर है, तो यहाँ क्या बच रहा है, रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ढूंढो कहाँ कहाँ रूट ऑफ एक्स प्लस वन है, इधर एक रूट ऑफ एक्स प्लस वन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है ना, नीचे नीचे वो उधर ऊपर है ना, हमको तो नीचे चाहिए, तो कॉमन ले लूँ यहाँ से, ये जो कैंसिल हुआ कैंसिल हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस वन कॉमन लो नीचे से, तो वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन, बाकी का नहीं कर रहा हूँ, बाकी जस्ट अभी इतना ही कर रहा हूँ, ये कॉमन लिया है इसमें और इसमें से, बताओ बचा क्या, पहले प्लस लिखेंगे, पहले प्लस मतलब एक्स लिखूं फिर माइनस बताओ, माइनस में तो यही है एक्स माइनस वन है अपॉन क्या हमारे पास, हाँ टू भी है ना, एक्स माइनस वन के नीचे टू है ना, टू था क्या वहाँ पे, नहीं वहाँ टू नहीं था, ठीक है ऐसे ही चेक कर लो, देख लो पहले एक बार, क्योंकि आगे हमको और आगे जाने वाला है, बहुत बड़ा समय, तो क्या क्या एक बार देखते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस वन ने बाहर निकाल दिया है, ये एक्स को एज इट इज लिख दिया है, माइनस वन बाई टू एज इट इज है एक्स माइनस वन, ठीक है ना ऐसा, अगर तुमको चाहिए तुम लोग अलग अलग करके ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही कुछ और दो किसमें कॉमन आएगा, देखो ये है दिख रहा है, ये क्या रूट ऑफ एक्स माइनस, ये भी ऐसे ही करो, तो क्या कॉमन बताओ, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया, बताओ बचा क्या, पहले प्लस बताएंगे एक्स ना, एक्स फिर माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन, ठीक है ना बराबर है, बराबर रूट ले लिया ना उन्होंने पीछे, हर किधर से टू वो वाली बात करें, उसके बात करें, हाँ वो देखते हैं ना हम लोग उसको, उसको फिलहाल तो ऐसे रहने दो, देखते हैं बाद में क्या होता है, ये रूट ऑफ क्या हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन, देखो करना सॉल्व करना पड़ेगा, जीरो लाना है हमको, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, अब सोचो जरा क्या किया जाए यहाँ पे, ये क्रॉस करूँ टू एक्स होएगा माइनस एक्स, मतलब एक्स आ जाएगा ना, कैंसिल होने का चांस, चलो करते हैं ना देखते मालूम पड़ेगा, बोलो टू एक्स और ये ना ऐसा टू एक्स और ये माइनस अंदर ऑपरेट होएगा, समझ में आ रहा है तुमको, अंदर समझ में आता नहीं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, देखो बाजू में करके बता देता हूँ, बोलो टू एक्स होने का राइट ना, फिर माइनस एक्स प्लस वन मालूम है अपॉन टू, ऐसा होएगा ना ये, तो कितना आ रहा बताओ, ये टू एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन को मैं लिखने वाला हूँ रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट ऑफ एक्स, तभी तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा ना, समझा क्या ऐसा, तो मुझे मालूम है कि इसका आंसर कितना आता है, इतना आता है, चलो इसको लिखते हैं, बोलो कैसे लिखूं, रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वन, टू नीचे है बाकी है समझा, तो वो टू को मैं इसके साथ लिख देता हूँ ना, चल जाएगा ना, चलेगा ना ऐसा ही, आगे बताओ इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा, टू एक्स ना, टू एक्स माइनस एक्स और माइनस जाएगा ना अंदर, माइनस वन अपॉन टू, मतलब टू एक्स माइनस एक्स कितना हो जाता है एक्स माइनस, अरे शॉर्टकट देखो ना, ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल होने के लिए एक्स माइनस वन ही चाहिए ना तुमको वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वन बना था ऊपर देखो, तो याद रहा मैं इसको कैसे लिखने वाला है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू रूट ऑफ एक्स, तो बताओ क्या है हमारे पास, मैं ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ जस्ट, बोलो कितना कैसे लिखूँ, रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस, और वो टू इसके साथ में लिखते हैं, किधर गया वो इसके साथ ना, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, आगे बताओ माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है कैंसिलेशन अभी भी होने वाला है, देखो कहाँ हो रहा है, ये जा रहा है कैंसिल और ये कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो सब हो गया, देखो बताओ क्या बचा, बताओ हमारे पास रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू
माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू, राइट, सब कैंसिल हो गया, आ गया ना जीरो, बोला था ना आएगा प्रॉपर, खाली सॉल्व करते करते जाओ एकदम राइट आंसर आता है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से ना, तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो कितना मिल रहा है, जीरो। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, समझा कैसे किया? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log के साथ पूरा पावर है द होल स्क्वायर, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू। चेक कर लो लॉग ऑफ, अलग है थोड़ा क्वेश्चन, हाँ। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है, चेक करो। ये इसका पावर में खाली रेस टू एन पावर है, एम दिया है। अच्छा, और आंसर में बताओ क्या है, फिर प्रूफ में क्या दिया है, हाँ, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिया है, ठीक है, वैसा रहेगा तो शायद देखते हैं, एक सेम ही समय, दोनों सेम सेम ही समय, इसमें जो दिया इसके हिसाब से कर देता हूँ मैं, राइट, या फिर तुम बोल नहीं सकते, टेक्स्ट बुक का रॉन्ग भी हो सकता है ऐसा, हाँ तो क्या होगा, पावर तो पावर ही है ना, वो एम यहाँ पे टू, दोनों का सम सॉल्व करने का तरीका एक ही रहने वाला, जो अभी जो सॉल्व करेगा वैसे सॉल्व होने वाला, अलग थोड़ी होगा कुछ तो जैसा मुझे यहाँ पे बुक में दिया इसके हिसाब से सॉल्व करते, क्योंकि इसमें आंसर है, अपन चेक कर सकते हैं, उसमें तुम्हारा आंसर बोल नहीं सकते पीछे राइट है कि रॉन्ग है। चलो चालू कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाय डी एक्स इक्वल टू टू, स्टार्ट करते हैं। ये अगर सिखा दिया तो इसके साथ तुमको सॉल्व करने आएगा ना, वो कर सकते हैं ना, वो भी वो सेम ही तो है, खाली यहाँ पे एम दिया है, एम नहीं सॉल्व करने आएगा तुमको, आएगा ना। चलो बताओ स्टार्ट कैसे करो, बताओ बोलो जल्दी, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट पड़ेगा ना तुमको, तो अगर मुझे फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये y को डिफरेंशिएट करना है हम लोग, राइट है ना, बोलो क्या लिखो, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे बताओ, क्या मैं इसको x रेज टू n एज्यूम करूँ, फिर ऐसा x रेज टू n एज्यूम करेंगे इसको, x रेज टू n वैसे लगेगा ना, हाँ, तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगाओ और बताओ dy बाय dx क्या आएगा, 2 आएगा और पूरा एज इट इज आएगा, राइट है, 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, राइट ना, लेकिन इसको x एज्यूम किया है, अरे ये पार्ट x था याद है पूरा, तो ये पूरा x का डेरिवेटिव तुमको फिर से लेना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट x है ना, log के साथ x लिया ना, log के साथ पहले x लिया, फिर सेकंड टाइम तुमको इसको x एज्यूम करना पड़ेगा, मालूम है, फिर उसके बाद तुमको इसको भी x एज्यूम करना पड़ेगा, समझा क्या बता रहा है, अरे log x ये हो जाएगा ना, फिर इतना पार्ट तुम्हारा x हो जाएगा, फिर इसके अंदर जब ये सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ x में वो वाला पार्ट को भी तुमको x एज्यूम करना पड़ेगा, x square plus a square को। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, पहले log बताओ, log x का बोलो क्या आएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन x plus अंडर रूट ऑफ x square plus a square, राइट है, ये हुआ। इसके बाद मालूम है क्या डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लेना है तुमको, ये देख रहा सेकंड लाइन जो बताया मैंने, हाँ, x का डेरिवेटिव लो, तीन बार होने वाला है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, फिर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स ना, रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर रूट एक्स बोल दिया ना उसको, तो उसका डेरिवेटिव तुमको लेना पड़ेगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई होने वाला है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, समझा कैसे किया है, ऐसा करना पड़ेगा, राइट, तो ये 2-2 भी जा रहा है, 2-2 कैंसिल हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और बताओ ये जो बचा है मेरे पास 2 log ऑफ बताओ जल्दी x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट है, ये इतना अपॉन हमारे पास है x प्लस रूट ऑफ प्लस a स्क्वायर, राइट, हाँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपरली बताना, रूट इधर मल्टीप्लाई होएगा, रूट प्लस x बन जाएगा, तो क्या मैं उसको x प्लस रूट लिख सकता हूँ, क्यों वाले मैं, देखो कैंसिल नीचे है ना, बोलो कितना है बताओ, इंटू में
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझा क्या हो रहा है, कैंसिल भी तो हो रहा है। ये क्या, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाता है, देखो हो जाता है ना। जो बचा वो बताओ, टू टाइम्स एक साथ लिख दूं अब ना, पावर और थोड़ी है हमारे पास। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर किसका है? ये dy by dx का आंसर है, ये dy by dx का आंसर है, राइट ना। अब एक चीज मिल चुका है ना मुझे, एक और निकालना पड़ेगा तुमको, उसके बाद हम लोग LHS में आके वो बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यार, बड़ा सम है, इतना इजी नहीं है। चलो एक फर्स्ट हो गया हमारा राइट, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के टाइम बोलो क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे यू बाई वी लगाना पड़ेगा, बड़ा होने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद है वी स्क्वायर होएगा तो रूट हटेगा। देखो रूट हट के ना हमारे पास LHS में सॉल्व हो सकता है, चांसेस है यहाँ पे सॉल्व होने का, होता है सॉल्व, कोई खाली प्रॉपरली सॉल्व करते जाओ बस, सॉल्व तो होना ही है। लगाओ अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ना, दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देके बताते रहो फटाफट। ये डी वाई बाई डी एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट है, टू एज इट इज रहेगा और पूरा गेम यहाँ पे होने वाला है, राइट है। यू बाई वी ना, पहले वी आता है तो बताओ क्या लिखूं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो लॉग ऑफ एक्स बनेगा, वो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसको लॉग ऑफ एक्स बोलने के टाइम पे इसको एक्स एज्यूम कर लिया है, जिसको भी एक्स एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालते हैं ना, वन प्लस और इसका वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन रुको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स बोला ना तो इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे, कितना आएगा, अच्छा टू ना, यहाँ पे वन अपॉन टू रूट एक्स आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स बोला मतलब वन अपॉन टू रूट एक्स, इसको पूरे को एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, इसको एक्स एज्यूम किया, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, ऐसा पहले भी तो किया हुआ है, देखो ना यहाँ पे ये क्या है, राइट है, और इसका का डेरिवेटिव जीरो ना, ठीक है ना। फिर से जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फिर से एक डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो तो क्या अभी तक किया हम लोग ने, सिर्फ वी डेरिवेटिव ऑफ यू कर दिया है, बाकी पूरा आगे वाला पार्ट तो बाकी है, माइनस यू ना, log of x plus root of x square plus a square, right है, minus u, derivative of v ना, इसका derivative, root x मतलब क्या आएगा, 1 upon 2 root of x square plus a square, इसको x assume किया है, derivative फिर से निकालो, x का derivative, 2x, ठीक है, upon बाकी है ना अभी, upon क्या आएगा, इसका square कर दो, square मतलब root गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखो जब मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर यहाँ पुट करेगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या, ध्यान देते रहो, समझा ना अभी, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन बताओ जरा मुझे, ये टू टू जाएगा राइट है ना, और ये अगर मैं ये टू टू भी जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। चलो करो बोलो क्या आएगा, टू टाइम्स यहाँ पे हमारे पास क्या अंडर रूट में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, इनटू करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ कैसे लिखेंगे बताना, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, समझा मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा क्रॉस बराबर ना, आगे बता दो, माइनस इधर लॉग नहीं आता ना, यहाँ लॉग है, log of x plus root of x square plus a square upon root of x square plus a square, right है, और the whole भी है ना हमारे पास, the whole भी तो है ना कुछ, the whole upon क्या है मतलब इसके नीचे है x square plus a square, x square plus a square, थोड़ा बड़ा सम है, ठीक है चलता है, ये numerator वाला part यहाँ से ये पूरा denominator जा रहा है ना, लास्ट का टू वाला पार्ट, ये एक्स ना, ये बच गया ना राइट, माइनस में एक्स राइट है, और कुछ जा रहा है, हाँ ये भी जा रहा है, ये तो वन हो गया फिर तो यहाँ पे, फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं, तो जाने का चांस नहीं है, फिर भी करके रख देंगे, चलो देखते हैं बाद में क्या होएगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा। बोलो क्या बचा है हमारे पास, बोलो वन ना, वन माइनस ये पूरा पार्ट ना, x log of x plus root of x square plus a square, हम लोग सेकेंड टाइम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, हाँ सेकेंड टाइम ही है, अपॉन इसके अपॉन में है ना कुछ, तो
अपॉन में हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, और द होल अपॉन भी इसके पास बाकी है अभी, द होल अपॉन बड़ा समय है, शायद पूरा बोर्ड ले लेगा आराम से क्योंकि अभी LHS सॉल्व करना तो बाकी है, राइट है। अपॉन बोलो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि बाद में कैंसिल होने का चांसेस रहेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ये वन ऐसा करेंगे, न्यूमरेटर कर रहे हैं, समझा, इधर आओ और बताओ न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एक मिनट, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, तो ये बचेगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, पीछे लिख दो टू के साथ, बोलो क्या रहा बताओ, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मानो ना किसका आंसर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट है। हाँ तो बाकी बताओ जरा क्रॉस वॉस करके बोलो क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, रूट की, हाँ रूट ऑफ क्या रहेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, माइनस में आएगा माइनस एक्स लॉग ऑफ क्या, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बड़ा होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाता है आंसर लास्ट में, पुट करेंगे तो आएगा लास्ट में सब, बराबर ना, डिनोमिनेटर नहीं लिखू ना, लिख दिया ना पीछे ऑलरेडी यहाँ पे, देखो ना ऐसा करना था, ऐसा करना था, ये और ये पार्ट मिला के पीछे लिख दिया टू के पीछे, देखो ना, तो हमारे पास डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का आंसर भी रेडी हो गया, खाली काम क्या है जस्ट वहाँ पे आके LHS पुट करके सॉल्व करते हैं। चलो तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बताओ LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, और इसके बाजू में क्या है डी स्क्वायर, मतलब इतना बड़ा पार्ट ही आएगा ना, आएगा ना यहाँ पे, बोलो क्या है, इधर टू लिख दू, थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, टू ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में रहेगा ना, बोलो क्या आएगा फिर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, बराबर ना, ये सिर्फ हम लोगों ने क्या ये वाला पार्ट सॉल्व किया ना, देखो आगे बाकी है अभी, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स चेक करो, कहाँ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये ना, तो टू एक्स कर दो, टू एक्स, अच्छा वो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू डाल रहे हैं, अपॉन बताओ जरा पहले, अपॉन में क्या है, अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये बच रहे ना यहाँ पे, सेम सेम आ रहा है ना, लेकिन एक्स नहीं, ठीक है देखते हैं, चलो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लॉग वाला पार्ट आएगा, बोलो क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट है, बस इतना ही ना, इतना ही रहेगा, चलो कैंसिलेशन बताओ जल्दी जल्दी, ये पार्ट जा रहा है, राइट ना, और कुछ नहीं जा रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं बराबर ना, और कुछ नहीं हो सकता ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ कैंसिलेशन जल्दी हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, हाँ वो पार्ट डायरेक्ट टू एक्स और ये ना, देखो ना डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, टू ना, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, कैंसलेशन किस में हो रहा है, रूट में बच रहा है ना हमारे पास, रूट में क्या बच रहा है, टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सेम है, कॉमन लेंगे तो भी सिर्फ हमारा क्या कैंसिल हो सकता है, वो लॉग वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है क्योंकि प्लस माइनस है, एक रूट तो बच ही जाएगा हमारे पास, और आंसर में सिर्फ चाहिए क्या हमको, सिर्फ टू ना, अगर वन होता यहाँ पे तो सॉल्व होता था, ये वन ये आया कहाँ से वो देखो जरा, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ये वन था ना पहले, वन माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे ये रूट सबका तो नहीं था, ये वाला पार्ट कहाँ से बना है, ये पार्ट इधर से बना है ना, नहीं हाँ ये कैंसिल हो चुका था ना, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया है, ये वन ही तो बचा था यहाँ पे, राइट, वन बचा था, एक मिनट, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि हम लोग ने, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, राइट है, अपॉन रूट, राइट है, ये कैंसलेशन, ये कैंसिल, माइनस एक्स लॉग, चलो देखते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते देखते हैं क्या होता है, अरे ये बाकी है ना अभी, हाँ तो बाकी है तो सॉल्व हो जाएगा ना फिर, तो मुझे लगा ये वाला पार्ट कैंसिल होता रहा है, सॉल्व तो हो रहा है, बोलो मल्टीप्लाई करो टू और ये दिख रहा है, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई फर्स्ट से होएगा, और ये दोनों चीज़ किससे मल्टीप्लाई होने वाला है,
सेकंड ये है ना, अभी यही तो मेन, देखो ना रूट रूट कैंसिल होके वन बन जाएगा ना अपने आप, वन ना, ठीक है करो मल्टीप्लाई करो, टू टू है और रूट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, ये भी तो है ना रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट, यही चीज इधर ही मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब कैंसिल हो रहा है ना, सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला पार्ट पूरा कैंसिल होता है देखो राइट है, ये भी जाता है, क्या बचा सिर्फ टू, और टू ही तो हमारा आंसर है ना, समझा कैसे किया है, therefore LHS is equal to RHS, समझा ना कैसे कर दिया, इजी है हार्ड नहीं, खाली प्रॉपरली सॉल्व करते करते रहना, रॉन्ग मत करो, बीच में एक भी रॉन्ग तुम्हारा आंसर रॉन्ग कर देगा, नहीं आ पाएगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा, समझा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे किया है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ओके ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से, नाइन्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन, देखो क्वेश्चन ऐसे है ना, m cos इनवर्स ऑफ x, यही है क्या लगे कुछ, यही है ना ऐसा, हम शो दैट करने बोला है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, चेक कर लो बराबर ना, यही सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, एम वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर प्रूफ में है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो राइट, स्टार्ट करते हैं बोलो, चलो ध्यान दो क्या करो बताओ, सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं ना, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, वैसे डी स्क्वायर भी लगने वाला है, सेकंड टाइम भी करेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसको, y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, आएगा ना करने, हाँ साइन ऑफ x ना बराबर है, चलो तो बोलो डी वाई बाय डी एक्स में साइन ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा, और x समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको x बोल रहा हूँ, m cos इनवर्स ऑफ x, जिसको x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे, लेकिन उसमें एक m कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो बाहर लिख दूँ डायरेक्ट, क्या बचा किसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, अच्छा माइनस भी है तो थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस होता है ना, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स पर कर दिया एक ही साथ पूरा डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया एक बार में, सेकंड वापस करते हैं बराबर ना, कुछ बच गया बराबर ना, बराबर है, सेकंड टाइम बोलो अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू वापस डिफरेंशिएट करते हैं क्या अब यू बाय वी लगेगा, एम तो बाहर आ जाएगा ना, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, माइनस एम एज इट इज है बोलो, कॉज ऑफ एम कॉज इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है बराबर ना, चलो वहां पर यू बाय वी लगे जो ब्रैकेट है बराबर ना, ऊपर भी x दिखाई दे रहा है नीचे भी x दिखाई दे रहा है, तुमको यू वाई भी लगना ही है यहाँ पे, तो माइनस एम तो मेरे लिए कॉन्स्टेंट, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम, चलो लगाओ यू वाई भी बोलो, पहले वी वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका कॉज ऑफ x ना कितना होता है तो माइनस ले लूँ पीछे, माइनस साइन ऑफ m कॉज इनवर्स ऑफ x, लेकिन इसको x एज्यूम किया है, x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे लेकिन उसमें कॉन्स्टेंट है कौन m, तो m लिखना पड़ेगा अपॉन माइनस ना कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है ना, क्या किया बताओ अभी तक, v डेरिवेटिव ऑफ u इतना ही किया है, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x राइट ना, u डेरिवेटिव ऑफ v रूट ऑफ x ना कॉस है सिर्फ, अच्छा सिर्फ कॉस है राइट है, v डेरिवेटिव ऑफ u किया था माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v रूट ऑफ x अज्यूम करेंगे ना वन अपॉन टू रूट में आ जाएगा ना x, लेकिन इसको x अज्यूम किए तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, वन का डेरिवेटिव जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स जीरो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, तो इसको बना दो प्लस और यहाँ पे लिख दो टू एक्स चल जाएगा ना, हाँ और अपॉन बाकी है, अब अपॉन क्या v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो रूट गया, देखो कैंसिल होने का चांस दिखाई दे रहा है, हाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, कैंसिलेशन देखो अभी भी कुछ पॉसिबल है, ये जा रहा है यहाँ से माइनस माइनस भी जा रहा है ना, ये टू टू भी जा रहा है
बस m कॉमन, इधर m नहीं बचा गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे m नहीं है, ठीक है ठीक है, इतना ही बच रहा है हमको राइट। तो जो बच रहा है उतना लिखते हैं, बोलो क्या बचा बताओ, जगह नहीं है आगे सॉल्व भी करना है हमको बाकी, ठीक है थोड़ा मैनेज करते हैं, बोलो बोलो क्या आएगा, माइनस m, ये न्यूमरेटर यहाँ पे, यहाँ पे एक रूट में बच रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, वैसे हमको अंदर जाके फिर से मल्टीप्लाई करना ही रहता है ना। तो एक काम करो, क्या करते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ भी दे दो, ये वाला पार्ट यहाँ भी दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको जाके मल्टीप्लाई तो करना है ना पीछे ये, कि डायरेक्ट वन माइनस स्क्वायर, डायरेक्ट वन माइनस स्क्वायर कैंसिल होने का चांस है फ्रेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट मेरा पार्ट ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, तो इसको नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, जस्ट ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे, बोलो क्रॉस करेंगे ना यहाँ पे, बोलो क्या आएगा, रूट ना, अच्छा पहले एम लिख देते हैं, एम रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एम ना, नहीं ये एम पहले लिख दिया हम लोग ने ऑलरेडी राइट है, प्लस ये तो वन जा रहा है कुछ मतलब नहीं है, एक्स ना, एक्स कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, अपॉन में बोलो क्या आएगा, अपॉन में ये रूट आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस, समझा क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए तुमको, ये स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए। ये किसका आंसर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का राइट, ये इसका आंसर है। अब इसको हमको पुट करना पड़ेगा वो है तुम्हारे LHS में ना, तो चलो LHS में पुट करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखते हैं पॉसिबल होगा तो यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए डायरेक्ट कुछ कैंसिलेशन वगैरह करके, लेकिन बड़ा हो जाएगा, ठीक है पुट कर लेते हैं, एक स्टेप करने का जगह है कर लेते हैं। LHS ना थर्ड स्टेप सॉल्विंग LHS, बोलो LHS में क्या क्या, एकदम सिस्टमैटिक लिख देंगे, एकदम प्रॉपरली लिख देंगे, बोलो वन माइनस एक्स स्क्वायर राइट है, ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा राइट है, तो क्या क्या बचेगा वो अंदर पहले लिख देता हूँ मैं, तो शायद प्रूफ करना इजी हो जाए। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, तो माइनस एम और ये रूट अंदर देते हो सबको, ये रूट अंदर दे दूंगा मैं ऐसा, और ये माइनस एम, माइनस एम भी देते हैं, बोलो क्या बचेगा, मतलब सिर्फ ये रखना नीचे बाकी कुछ मत रखना, बोलो माइनस एम स्क्वायर राइट है, और पहली बात रूट, जब मैं इसको रूट देगा तो रूट कैंसिल ना, अरे जब मैं इसको रूट, रूट समझ में क्यों आ रहा है, क्यों हटा रहा हूँ मैं इसको, अरे अलग करना पड़ेगा तो ही तो कैंसिल होएगा राइट ना, क्या चाहिए हमको आंसर, जीरो कैंसिल होना जरूरी है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को समझो मैंने रखा है मेरे कैंसिलेशन के लिए, नीचे क्या रखा है हम लोग ने, वन माइनस एक्स स्क्वायर रखा है, ये रूट इधर दिया, रूट गया एम इंटू एम, ये कर दिया एम स्क्वायर, बोलो क्या बचा है, साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये माइनस एम आगे भी तो मल्टीप्लाई होने वाला है राइट ना, तो ये माइनस एम जब आगे मल्टीप्लाई होएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एम इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन एक चीज भूल रहा है, इसके नीचे क्या आएगा, ये देख रहा है ये, इसको भी तो देना पड़ेगा ना तुमको, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये किसका आंसर होगा, ये सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करके लिया है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा डिनोमेटर ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, आगे बाकी है माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो कहाँ गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ना ना, तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स इंटू एम, इसे यहाँ पे माइनस एम एक्स लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बात और, डी वाई बाई डी एक्स खुद माइनस में और इधर क्या है माइनस, तो क्या बन जाएगा प्लस एम एक्स लिख रहा हूँ, अरे ये पार्ट कैंसिल हो रहा है इसके लिए बता रहा हूँ, देखो ना क्लियर नहीं दिख रहा तुमको, कॉस कॉस डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा एम एक्स, बोलो बताओ क्या बचा अभी, और ये ना कॉस ऑफ, बोलो क्या, कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वन, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम तो आ गया, आ गया ना, अरे ये पार्ट उड़ गया तो यही बचेगा ना सिर्फ, और ये पार्ट शायद वो लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस में एम स्क्वायर वाई, वाई क्या था, वाई हो गया, देखो ये भी कैंसिल हो गया, फिर तो सब कैंसिल हुआ ना, वाई बताओ क्या है, वाई साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सब चीज कैंसिल हो रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये पार्ट यहाँ से जा रहा है तो सिर्फ ये न्यूमरेटर बचेगा, ये न्यूमरेटर में ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, समझा है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एम स्क्वायर याद है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया ना जीरो, समझा कैसे किया है, अरे ब्रैकेट ओपन किया तो ऐसे हो जाएगा ना, वो तुम लोग करो, ये तो मैं जस्ट शॉर्टकट में बता दिया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, जीरो, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, समझा कैसे किया है, समझा कैसे, ओके क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना, बस सेकेंड लास्ट सम है, 9th सम, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और बोला है शो दैट करके दिखाओ
कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आना चाहिए 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। चेक कर लो, क्वेश्चन तो बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है, ध्यान दो इधर अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाई 3x प्लस वाई द होल क्यूब। ध्यान दो इधर, बोलो स्टार्ट कैसे करेंगे, बोलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना पहले, बोलो क्या लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ना, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, पहले क्या आएगा 2x, 6 एज इट इज, यू वी रूल y भी तो फंक्शन ऑफ x है, बोलो x dy by dx plus y, राइट है, प्लस 2y dy by dx is equal to 0, राइट ना। अब बताओ मल्टीप्लाई कर दो 6, डीवाई बाई डी एक्स अलग चाहिए ना, एक काम करते हैं 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 गया हटा दो ना, जितना इजी होता है उतना इजी करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, x कितना बचा है 3 मल्टीप्लाई करो 3x dy by dx plus 3y plus y dy by dx, समझा ना 2 कहां गया, अरे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, अलग करो dy by dx को, कॉमन ले लो dy by dx, अगर कॉमन लू तो क्या मिलेगा 3x plus, दिख रहा है, दिख रहा है, बन रहा है ना कुछ 3x plus y plus, अरे ये कॉमन लिया तो ये 3x और y बचेगा ना, और ये क्या बच रहा है x plus 3y, क्लियर है, अरे थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया था, 2 गया 2 गया ये 3 बन गया, तो 3x हुआ और 3y ना, राइट तो है, आगे बताओ इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेजू माइनस हो जाएगा और ये पार्ट जो इनटू में वो नीचे आके डिवाइड ना, समझ में आ रहा है, बोलो डी वाई बाय डी एक्स का आंसर क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, ठीक है मिल गया dy by dx, तो dy by dx तो मिल गया, ये हमको वैसे भी नहीं चाहिए, हमको तो d square y by dx square चाहिए, बोलो अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो बताओ क्या लिखो, कैसे सॉल्व करूँ, u by v लगेगा, u by v लगेगा ना, लगाओ बोलो क्या आएगा, dy by dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ही रख रहा हूँ, लगाओ यू बाई वी, बोलो क्या आएगा 3x प्लस y, डेरिवेटिव 1 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u x प्लस 3y, डेरिवेटिव ऑफ v बोलने आएगा ना, बोलो 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर, चेक करो क्यूब है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे, देखेंगे मिलेगा हम, ठीक है इतना बोलो अभी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही हम निकाल रहे हैं, चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स का जब तक वैल्यू पुट नहीं करो तब तक कुछ नहीं हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, दे रहा है तुमको डी वाई बाई डी एक्स, अरे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आंसर में डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे आंसर में क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, इसको हटाओ यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स हटाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, सिंपल बोलो क्या बनेगा, माइनस यहाँ पे 3x प्लस y है द होल इनटू 1 प्लस ये ना, एक मिनट माइनस ना, माइनस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ 3 इनटू x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, क्लियर है बराबर ना, ये ऐसा कंप्लीट ना, माइनस ये बताओ x प्लस 3y और 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y ना, राइट है, द होल अपॉन ना, अब आएगा द होल अपॉन बताओ 3x प्लस y द होल स्क्वायर, क्लियर है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस y मिलेगा ना, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस y मिलेगा ना, वो नीचे से मल्टीप्लाई होएगा ना, कितना बन जाएगा क्यूब, देखो क्यूब मिल रहा है, चाहिए ना क्यूब,
मालूम है ना, करो बोलो कितना आएगा, माइनस एज इट इज बचा हुआ है, बोलो 3x प्लस वाई, करो 3x प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x माइनस 9y राइट है, अपॉन 3x प्लस वाई, क्लियर ना। सेम ऐसा ही काम आगे करके बताओ, x प्लस 3y एज इट इज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x ना प्लस 3y माइनस, अंदर दो माइनस x माइनस 3y अपॉन 3x प्लस y a, ठीक है, द होल अपॉन भी हमारे पास कुछ तो है ना, क्या है 3x प्लस y द होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ कैंसल नहीं करेंगे, हाँ कैंसिल करेंगे तो फिर हमको क्यूब नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो वापस क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर से एक बार क्रॉस करते हैं, क्यूब बार बार क्रॉस करते हैं, डायरेक्ट क्यूब बना देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, जो भी हमको मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर है 80 मिलना है, लेकिन 80 कहाँ से लाएंगे, 80 है ना अंदर, ठीक है चलो देखते हैं, तुमको ये बन के शायद 10 लेके आना पड़ेगा अंदर, देखते हैं चलो, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है क्या करना है, देखते सॉल्व करके मालूम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन लिया, इसके साथ दे दिया, क्यूब बन गया, बोलो बताओ क्या बचा है, एक काम करते हैं माइनस अंदर दे भी दूं तो ये, लेकिन ठीक है माइनस बाद में देंगे, चलो नहीं, नहीं तो पूरा घुमाना पड़ेगा यहाँ से, बोलो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, 3x प्लस y द होल क्यूब राइट है, अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले इजी कर लो, अरे इजी क्या है, तो कैंसिल हो रहा है, माइनस 3x प्लस 3x y माइनस 9y माइनस 8y ना बराबर, देखो इधर बताओ, इधर नहीं हो रहा है, हो रहा है माइनस 3y प्लस 3y 9 माइनस एक्स 8x ना, तो हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन 8y 3x से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू ये 3 करो तो माइनस में 24 और y है और x है मतलब xy, ठीक है ना, इजी है एकदम, माइनस 8y को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 8y स्क्वायर, क्लियर है, 8x इधर मल्टीप्लाई होएगा लेकिन पीछे से माइनस भी लगने वाला है, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई, ठीक है, हाँ तो कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है देखते हैं, पीछे का माइनस है दे दूँ अंदर, सब प्लस बन जाए, बोलो क्या बचा हमारे पास, फिर ये किसका आंसर है ना, ये आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, 24xy माइनस कैसे है, पीछे से माइनस भी दे दिया मैंने, समझ लो ना, सब प्लस बन चुका है, प्लस बन जाएगा, प्लस में 48XY. बीच में लिखता हूँ मैं 48xy बीच में लिख रहा हूँ, रीजन तुम्हारे सामने दिख रहा है यहाँ पर क्लियर, उससे पहले एक्स स्क्वायर है ना, कितना एक्स स्क्वायर, 8x2 माइनस नहीं आएगा, माइनस गया है, 8x2 प्लस ना, फिर वाई स्क्वायर आएगा, वाई भी 8 में, प्लस 8y2 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब, 3x प्लस वाई द, थोड़ा बहुत आ चुका है ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, 8 मिल गया ना, 80 हो गया ना, फिर तो समझे 80 कैसे हुआ, कॉमन लो 8, बोलो क्या मिलेगा, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई द, ये तो 10 है ना, देखो 10 8 जा है ना आंसर, आएगा प्रॉपरली करते करते जाने का आता है राइट आंसर, खाली बीच में मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए बस, 80 अपॉन 3x प्लस y द, इजी तो है, इजी है ना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RH, चलो एक लास्ट सम आज का इस लेक्चर का, बोलो क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन 10, तो हमारे पास क्वेश्चन 10 कहाँ गया, हाँ x का आंसर दिया है a sin t माइनस बी कॉस टी, याद करो ऐसा हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, और y तुमको दिया है a cos t प्लस b sin t राइट ना, हाँ और बोला शो दैट करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर, वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर जो है दैट इज माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है ये प्रूफ करना है, देख लो क्वेश्चन एकदम अच्छे से, a sin t माइनस b cos t
फिर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी और शो दैट में आना चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन वाई क्यूब। चलो सोचो लास्ट समय थोड़ा बहुत बताओ कुछ कैसे किया जाए। डी एक्स बाई डी टी निकालूँ, डी वाई बाई डी टी निकालूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूँ, फिर ला के पुट करूँ, इतना बड़ा पाँच स्टेप है, पाँच जमाना हो जाएगा। दूसरा कुछ सोचो, साइन कॉस दिखाई दे रहा है एक्स में, साइन कॉस नीचे वाई में दिखाई दे रहा है, साइन कॉस का आइडेंटिटी होता है ना, क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, उसके लिए साइन को स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब उसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर आगे प्लस, मतलब स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा एडिंग भी करना पड़ेगा, ऐसा किया हुआ एक समय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, याद है किया एक समय ऐसा। चलो तो ये जो दो इक्वेशन है इसको हमको सबसे पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा बोलो, स्क्वायरिंग ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, समझा, वो समझ गया, हाँ लिख दो यार, तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बरा करने आएगा ना, स्क्वायर भी करो और ऐड भी करो, एलएचएस अलग आरएचएस अलग, ठीक है बोलो करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इधर होल स्क्वायर होएगा ना, होल स्क्वायर होने वाला है, होल स्क्वायर एक्सपांड करने आता है, बोलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर हो गया नहीं, ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, माइनस टू ए बी साइन टी कॉस टी बराबर है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, सिर्फ इसको किया है, माइनस था तो माइनस लिखा, अब क्या है प्लस, प्लस के लिए फॉर्मूला बताओ जरा बोलो, ए स्क्वायर बोलो कॉस स्क्वायर टी प्लस टू ए बी साइन टी कॉस टी राइट है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, बहुत बड़ा हो गया, सोचो कुछ हो रहा है कैंसिल हो रहा है, माइनस टू ए बी साइन टी कॉस टी प्लस टू ए बी साइन टी कॉस टी, और सोचो ए स्क्वायर अगर मैं यहां से ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, अगर यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो वन होता है, समझा, यही काम करने के लिए उन्होंने किया था ये चीज राइट, इजी करने के लिए किया था, तो बचा क्या बोलो सिर्फ, सेम ऐसा ही काम तो बी स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं, अगर मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर टी फिर वापस प्लस कॉस स्क्वायर टी वापस वन हो गया, मतलब मिला क्या प्लस, किसका आंसर है, देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया अब, राइट है, अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं, अब इजी हो गया ना, अब करते हैं, इतना बड़ा वो पांच स्टेप लगता है हमको सॉल्व करते करते, थोड़ा इजी होता तो इजी कर लेते हैं, सेकंड स्टेप बोलो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करने आएगा ना, एक्स रेस्ट में लगाएंगे ना, लगाओ बोलो क्या आएगा, टू एक्स प्लस 2y dy by dx is equal to 0, आंसर क्या चाहिए वैसे, बहुत बड़ा आंसर, ठीक है 0 ना, 2 भी गया, 2 भी गया ना, कॉमन लो भेज दो, dy by dx का आंसर बताओ, बताने आएगा, x तो भेजो, माइनस x y इंटू में इधर गया तो डिवाइड में ना, ये सिर्फ आंसर है dy by dx का, हमको क्या चाहिए, हमको तो d square y by dx square चाहिए, ठीक है वापस करते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग डी स्क्वायर चाहिए ना, वहां पहुंचना है हमको, अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स राइट है। चलो यू अभी लगने वाला है यहाँ पे तो कर सकते हैं बोलो, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस, आज रखो यू भी लगाओ यू बाई वी वाई वन फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई का पावर चाहिए क्या, देखो चाहिए क्यूब ना, बना देंगे याद, एक वाई बनता है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, याद है बना था क्यूब, सेम वैसे उधर भी होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स आंसर में चाहिए क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स करके, हटाओ वहाँ सेम, कैसे हटता है ये चीज़, वैल्यू पुट करके हट जाता है अपने आप, चलो फिर बोलो माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स खुद माइनस में तो प्लस फिर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्लियर है बन जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बोलो क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यही चाहिए क्या, माइनस में चाहिए, हो गया ना,
तो ये हुआ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का आंसर। देयरफॉर एल एच इज इक्वल टू आर एच एस ना, समझा ना सबको, इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, डेरिवेटिव बस इतना ही राइट। इसके बाद सिर्फ हमारा बचा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ डेरिवेटिव राइट।